आइए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट में ना आप लोगों को दो चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले फैक्टर्स होते हैं और इसके एलिमेंट्स यानी कि तत्व होंगे और कारक होंगे। उसके पहले एक छोटा सा चीज आपको ये भी समझा दूं, जलवायु और मौसम दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे, या यूं कहें एक बड़ा भाई और एक आपका छोटा भाई है। एक का नाम हो जाएगा मौसम, चैप्टर का नाम तो क्लाइमेट है, जलवायु है, बट यहां पर हम इसके सब सेगमेंट्स या इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, मौसम और जलवायु एंड क्लाइमेट। ठीक है, दोनों के आपके तत्व जो होंगे यानी कि एलिमेंट्स होंगे और उनके कारक होंगे यानी कि फैक्टर होंगे वो समान होंगे। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होता है। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मौसम या जलवायु से आप क्या समझते हैं, फिर भी एक बेसिक जो चीज है आपको समझना आवश्यक है। मौसम जो रहता है वो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था में परिवर्तन, मतलब बिल्कुल अभी जैसे सुबह अगर धूप है शाम को क्या हो सकता है वो बारिश हो सकता है। तो वायुमंडलीय अवस्था में क्षणिक परिवर्तन स्पॉन्टेनियस चेंजेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मौसम कहते हैं, वेदर बोल देते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियस चेंज क्षणिक परिवर्तन किसमें, वायुमंडलीय अवस्था में एटमोस्फेरिक कंडीशंस में। वही जलवायु जो रहता है वो किसी क्षेत्र विशेष का, यहां पर अब एरिया आ जाता है, एरिया मस्ट है क्योंकि हर क्षेत्र का जलवायु अलग होगा। मौसम तो वैसे ही अलग रहता है, मतलब कुछ और कुछ और कुछ और वैसा, तो मौसम के लिए तो एरिया का कोई ऐसा रोल ही नहीं है। ठीक, जलवायु के लिए क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एरिया में एक लंबे समय, कितना लंबा समय सर, लगभग 40-50 वर्षों के मौसम का औसत यानी कि एवरेज क्या कहलाता है, जलवायु क्लाइमेट। ठीक है, यानी क्या बोला हमने कि एन एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में ब्रैकेट में लिख सकते हैं 40-50 इयर्स। ठीक, एन एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म वेदर फॉर एनी रीजन, रीजन इंपॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र के लिए जो आपको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, मतलब नोन एज द क्लाइमेट। ठीक है, तो बेसिक अंतर इतना हो रहा है कि मौसम जो है वो क्षणिक परिवर्तन है, कभी भी चेंज हो सकता है, जलवायु जो है वो अचानक से चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा लेकिन समय लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं प्रत्येक वर्ष हमारे यहां गर्मी कब आता है, जनरली ड्यूरेशन क्या है गर्मी का, होली मनाए गर्मी आ गया और उसके बाद फिर लगभग जून वगैरह तक फिर अपना बारिश आ जाता है, मतलब 3 से 4 महीने का जो ड्यूरेशन होता है वो किसका होता है, गर्मी का होता है। अब अचानक एक साल जैसे 2024 चल रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 23 था, 23 में फेब मार्च अप्रैल भयंकर बारिश हो रहा था, याद है लास्ट ईयर, मतलब इस समय तक लग ही नहीं रहा था गर्मी करके, असली गर्मी ना मई एंड में शुरू हुआ था, मई मिड में शुरू हुआ था, अप्रैल तक तो बिल्कुल नहीं लगा था, अचानक बारिश होते रहता था, बारिश होते रहता था, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जलवायु परिवर्तन। अच्छा, इतना जल्दी ऐसे कैसे, हम जलवायु परिवर्तन की ओर हैं, जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन होने के लिए आपको देखना पड़ेगा भाई क्या पिछले 10 सालों में या आने वाले 10 साल में अगर सेम ऐसा होगा तब आप कहेंगे कि हाँ यस क्लाइमेट इज चेंजिंग। और नाम भी बड़ा गजब का दिया जाता है, जब मौसम होता है तो उसको बोलते हैं खराब, मौसम क्या हो रहा है खराब, और जलवायु क्या हो रहा है परिवर्तन। वाह, देख रहे हो, मौसम जो है वो खराब होगा, बैड वेदर बोलते हैं ना, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, जैसे अभी मैच हो रहा था तो बोलते कि भाई मैच का जो कंडीशन, सॉरी मैच जो होना है तो वेदर कंडीशन क्या है वहां पे, बैड है, खराब है, बारिश का हो जाना या कुछ और चीजें हो जाना उसको हम बोल देते हैं मौसम का खराब होना। तो मौसम हमने कितने देखा, केवल एक दिन में या एक घंटे में या कभी भी क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, जबकि जलवायु जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। दूसरा अगर यहां पर एक चीज और हम देखें तो यार मौसम के साथ एक बड़ा नाता है, बॉलीवुड वाले सारे के सारे मौसम के साथ बनाते हैं, देखना जितने भी सॉन्ग्स बनेंगे सब मौसम वाले होंगे, क्या मौसम आया है, ये मौसम वो मौसम, कोई जलवायु के साथ बनाया कभी, क्या जलवायु आया है ना, ये जलवायु की बातें एंड ऑल नहीं। क्लाइमेट जो होता है ये आपका क्षेत्र विशेष के लिए रहेगा। ठीक, और इसमें दोनों में आप लोगों को एक ही फैक्टर्स और एक ही आपके एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो नीचे से लिखिएगा जलवायु और मौसम के, जलवायु और मौसम के तत्व, साइड हेडिंग है द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। पहले मैं तत्व समझाऊंगा फिर मैं आपको कारक समझाऊंगा। ठीक है, पहले एलिमेंट्स
उसके बाद फैक्टर्स। अब एलिमेंट और फैक्टर क्या होता है इसी को पहले हम समझ लेते हैं एकदम आसान सी भाषा में, फिर उसके मौसम और जलवायु वाली भाषा में आएंगे। कॉलम आपको नहीं बनाना है क्योंकि कॉलम लंबा हो जाएगा, बस ये समझाने के लिए आप अभी केवल एलिमेंट्स लिखें, तत्व लिखें, ठीक है? ओके। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को डिश बनाना है, कोई भी डिश आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको पास्ता बनाना है तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? पहले तो कोई पास्ता चाहिए, और पानी चाहिए, ऑयल चाहिए, ब्रोकली चाहिए, मसाले चाहिए, ऑनियंस एंड ऑल, इतने बेसिक्स हैं। ब्रोकली भी नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप जो है ऑनियंस एंड ऑल, कुछ तो वेजिटेबल्स चाहिए ना। चलो वेजिटेबल्स ले लो, कुछ वेजिटेबल्स ले लिया, वाटर ले लिया, खुद पास्ता ले लिया, ऑयल ले लिया, इतना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, एकदम सिंपल है ना। बोले सर कढ़ाई भी तो चाहिए, भाई कढ़ाई इंग्रेडिएंट नहीं, कढ़ाई को थोड़ी खाना है तुमको, तुमको तो पास्ता खाना है, तो कोई ना कोई पैन यूज करोगे आप, ठीक है? तो उसको हम हटा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये सब क्या हो गए तुम्हारे तत्व हो गए पास्ता बनाने के या पास्ता के। अब मैं बोलता हूं कारक, या चलो सिंपल चाय को ले लेते, चाय तो एकदम कॉमन है ना भाई, चाय में तीन चीज तो एकदम चाहिए चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, और पानी या दूध, या दोनों मिला लो कोई दिक्कत नहीं, इतना तीन चाहिए बेसिक। अब तो मत बोलना सर मैं तो काली मिर्च भी डालता हूं, तो मैं अदरक भी डालता हूं, लहसुन भी डालता हूं, जो डालना है तुम डालो, लेकिन अभी जो बेसिक जो चीज है वो चाय पत्ती शक्कर और पानी या दूध, ये तीन आइटम चाहिए। यही क्या हो गए इसके फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, कारक। चाय क्यों बना, ये कारक है। तो पहला कारक क्या हो सकता है, सर दर्द हो रहा होगा। लोग इधर है इंडिया में भाई, लोग डिस्पेन नहीं खाते, सर दर्द, अरे यार एक कप चाय लगाना, यही होता है। सेकंड कारण क्या हो सकता है, गले में खराश मे बी, या और क्या हो सकता है भाई, बारिश हुई, चलो यार चाय पीने का मन हो रहा है, मूड बन गया। मतलब ये सब वो कारण है जिसके कारण आपने चाय बनाया, डिपेंड कर रहा है कि आपने चाय क्यों बनाया। दोनों चीज समझ आ गई। वैसी जलवायु में हमको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज है और कौन कौन से कारक है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो उसको क्या करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी फैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हैं, तो एलिमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा आपके, उन एलिमेंट्स में आपकी कॉपी है, पेन है, किताबें हैं, और भी चीजें, स्टडी मटेरियल, ये सब क्या है फैक्टर्स, सॉरी ये सब क्या है एलिमेंट्स, कारक। अब क्यों बनना चाहते हैं आप, तो बोलोगे सर बचपन से सपना था कि मेरे पास फॉर्च्यूनर हो, ये हो वो, ठीक है ना। बोलेगे सर मेरे को धोखा मिला है सर, इसलिए मुझे बदला लेना है, इसलिए मुझे बनना है। बोलेगे सर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, एंड ऑल। तो ये सब क्या तुम्हारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं कि क्यों आप बनना चाहते हैं, ठीक। आइए तो तत्व हमें लिखते हैं फटाफट। सबसे पहले कॉलम मत बनाना ना, क्योंकि कारक जो है वो थोड़े लंबे लंबे रहेंगे। वैसे होते चार हैं, बट जो दो है उसको फिर से बाइफर्गेट कर दिया जाता है, इसलिए समटाइम्स हमको सिक्स देखने को मिलता है। सबसे पहला जो है वो है भाई तापमान, टेम्परेचर। पहला लिखिएगा तापमान, टेम्परेचर। दूसरा लिखेंगे वायु दाब, यानी कि आपका एयर प्रेशर, वायु दाब या वायुमंडली दाब बोलते हैं उसे, ठीक। तीसरा लिखेंगे नंबर थ्री नेक्स्ट पवने या पवनों की दिशा एवं गति, पवनों की दिशा एवं गति, डायरेक्शन ऑफ या डायरेक्शन एंड मोमेंट ऑफ विंड्स। यहां पर पवन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वायु नहीं बोलना है, वायु और पवन दोनों में अंतर अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, उसको बाद में लिखना, पहले इधर लिख लो पवनों की दिशा एवं गति। नंबर फोर आ जाओ, नंबर फोर हो जाएगा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी। अब फोर फाइव और सिक्स ना तीनों लगभग सेम है, अलग अलग इसको भले कर दिया गया लेकिन तीनों लगभग ऑलमोस्ट सेम है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, समझते हैं क्या होता है, क्यों किसके कारण होता है, जनरली मौसम आर्द्र या ह्यूमिड कब होता है, बारिश में, ठीक है। तो पांचवा लिखना है वर्षण, वर्षण प्रेसिपिटेशन। नंबर फाइव है वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन, ठीक। और नंबर सिक्स है बादलों का बनना, क्लाउडीनेस, बादलों का बनना। अब आप देखोगे तो प्रेसिपिटेशन, बादल बनना और आर्द्रता तीनों लगभग एक ही चीज है ना,
तो आप सिंपल एक को भी आप लिखेंगे तो चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। फिर भी चूंकि सिक्स स्टैंडर्ड है इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, इन्हीं एलिमेंट्स को मिलकर ही किसी क्षेत्र की जलवायु या फिर मौसम को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले टेम्परेचर, मैं देखूंगा कि वहां का तापमान कैसा है, ठंडा है कि गर्म है। फिर मैं सेकंडली देख सकता हूं वहां पे क्या हो सकता है, वायुमंडलीय दबाव कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ गर्मी के दिनों में जनरली प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। ठंड में कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद है पवनों की दिशा एवं गति, याद रखना पवन की बात हम कर रहे हैं, अभी अंतर बताएंगे। देन आपको मिलेगा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। अच्छा ये बताओ जहां पे बारिश नहीं हो रही है फिर भी मैं कहता हूं कि वो एरिया जो है वो 99% ह्यूमिड है, इज दैट पॉसिबल, हाउ एग्जैक्टली। जो कोस्टल रीजन होंगे वो कैसे रहते हैं आपके, ह्यूमिड होते हैं। इनफैक्ट ठंडी से ज्यादा गर्मी ह्यूमिड होता है, पता है आपको, गर्मी में आरएच आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आरएच भी कंट्रोल करता है, इसीलिए आपको एसी से सिर्फ ठंडकता महसूस नहीं होता बल्कि एक कंफर्ट महसूस होता है। ठीक है, चले फिर हम देखते हैं यहां पर आपका वर्षा, तो सिंपल है प्रेसिपिटेशन, और लास्ट हो जाएगा आपका बादलों का बनना। ठीक, तो यहां पर भी सेम ऐसी चीज होती है, कुछ बादल हैं जो वर्षा करेंगे, कुछ बादल जो है वर्षा नहीं करते। हालांकि टाइप्स ऑफ क्लाउड आपके सिलेबस में नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, वो आपका फिजिकल का पार्ट है। जैसे आपने सुना होगा ना कई बार कपासी बादल सुना है, लाइक वो एकदम ऐसे रुई रुई टाइप का दिखता है। जनरली आपको कब मिलता है ये, बारिश वारिश हुआ रहता है और जब मौसम साफ होने वाला होता है तब देखना एकदम मस्त, और लोग फिर फोटो स्टेटस डालते रहते हैं एकदम ऐसा, वही वाला देखे ये। उसके बाद एक ऐसा बादल आ गया एकदम काला काला रहता है, देख के डर लग जाता है, बेसाल पता नहीं कब बरस जाएगा करके एकदम, मतलब अंदर से थोड़ी निगेटिविटी आती है, अरे यार कैसे दिख रहा है एकदम मनहूस टाइप कैसा, वो वाला बादल होता है। फिर एक ऐसा वाला बादल रहेगा एकदम दूर, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है भाई, कुछ हो भी रहा है कि नहीं करके, खाली मतलब बदली जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा जब उमस करता है वो और बहुत मच्छर काटता है ऐसे में, नोटिस किया होगा है ना, वो अलग रहता है। तो ये बादलों का बनना भी अपना अलग अलग कहानी है। अब हम आते हैं कारक, लेकिन कारक से पहले इन दोनों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वायु और पवन, ताकि जब मैं लिखाऊं ये जब हम पढ़ें तो आप दोनों में कंफ्यूजन ना हो। वायु मतलब हो जाता है आपका एयर, पवन मतलब होता है आपका विंड। ठीक, चलिए अच्छा मुझे बताएं क्या दोनों में, अच्छा पंखा जब चलता है तो क्या आता है, एयर आता है कि विंड आता है, हवा, सॉरी हवा बोल लो इसको, है ना, हवा या वायु, तो वायु आता है कि पवन आता है, पक्का पवन, विंड आता है, विंड आता है, पंखा चलने से विंड आता है, सॉरी इसमें से एसी से क्या आता है, और अच्छा कूलर से क्या आता है, याद रखना एयर में खुद के पास शक्ति नहीं होती, खुद की ताकत नहीं होती, उसको फोर्स किया जाता है। यहां पे है एयर और पंखा जैसे ही घुमा तो एयर क्या होने लगा, घूमने लगा, याद रखना। अच्छा गाड़ी के टायर्स में क्या भरा होता है, एयर या विंड, पक्का आप बोलते भैया हवा डालो कि भैया पवन डालो करके, कभी जाओगे बोले कि भैया थोड़ा सा यार 40 का पवन डाल देना, नहीं ना, आप क्या बोलोगे, हवा डालते हैं ना, एयर पंक्चर होता है ना, पंक्चर जो हम बनाते क्या होता है, वो एयर होता है। सो एयर को आपने टाइट कर रखा है किसमें, गाड़ी के टायर्स में, वहां का अंदर का प्रेशर क्या है आपका, हाई है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है आपका, लो है। और हमेशा आप चीज याद रखना, चाहे वायु हो चाहे पवन हो, किधर से किधर फ्लो करेगा, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑलवेज। एक ही बस आपका यहां पे अपवाद है, मतलब एक कंडीशन है फॉर ओपन फ्लो, केवल खुले तंत्र के लिए। ओपन फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से आप इसमें कोई फोर्सफुली चीज अप्लाई नहीं करेंगे, लाइक प्रेशर कुकर, वहां पे उल्टा होता है। खैर टेम्परेचर वाले सीन में आएंगे तो और को बताएंगे आपको। ठीक, सो यहां पर ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे आपने रिलीज किया पॉइंट हटाया, ओपन कर रहे हैं ना, तो जैसे ही आप उसको ऐसे पिंक करेंगे तो पूरा का पूरा प्रेशर अंदर से बाहर आएगा। एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो नीचे जाके ट्राई कर लेना, ठीक है ना, किसी की गाड़ी में को चक के देखना ऐसे, ठीक है, तो पूरा जो प्रेशर है वो बाहर आएगा आपका, क्लियर। तो हाई टू आपका लो होता है। अब हम चलते हैं विंड की तरफ, पवनों की तरफ। पवन जैसे कि आप कार चलाते होंगे तो सामने जो शीशा होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड शील्ड कहते हैं, एयर शील्ड नहीं बोलते उसको, एयर बैग होता है जो कि आपके स्टीयरिंग के या उधर को पैसेंजर साइड में रहता है। ठीक है, तो विंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी चल रहे होते हैं
तो पवन यानी कि जिसका मोमेंट हो रहा है, ऐसा वायु सहति जिनके पास खुद की क्या है, क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पवन यानी कि विंड। जैसे कि टर्बाइन या फिर आपके जो लाइक मशीन्स होती है ना जिससे पवन ऊर्जा हम निकालते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड टर्बाइन बोलते हैं या एयर टर्बाइन बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं कि वायु चक्की बोलते हैं, पवन ना, क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की क्षमता है, वो खुद से घूमेगा ना, तो उसको घुमाओ भी अलग से ऐसे चढ़ चढ़ के, मतलब पता चले पवन चक्की घुमाने के लिए फिर तुमको अलग से एनर्जी वेस्ट करना पड़े, तो क्या मतलब फिर तुम्हारे पवन चक्की लगाने का, मतलब वो खुद से क्या हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सन। मतलब जैसे ही गर्मी होगा तो प्रेशर कैसा हो जाता है, यहां पर लो, ठंडी होगा तो प्रेशर हाई, अब हाई टू लो, हाई टू लो, ये अपना सीक्वेंस चलते रहता है, तो इसको यूनिवर्सल विंड सिस्टम में आपको अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक, इतना समझ आया सभी को, पवन और वायु। अब इधर आ जाओ, साइड हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स, जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन 2-4 मार्क्स में आ सकता है जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो, और अब जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट यहां से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से बन चुका है, वैसे भी जलवायु से 4 या 5 ही क्वेश्चन बने हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन यही कारकों से बने हुए हैं, डायरेक्टली नहीं है, दोनों के दोनों इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं, कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहला लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स, कारक, तो इस कारकों को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, पहला जो है ध्यान से समझना, लिखना, पहला है स्थिति एवं, पहला है स्थिति एवं धरातल संबंधित या उच्चावच संबंधित, रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, स्थिति और उच्चावच, उच्चावच रिलीफ रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, ठीक है, स्थिति और उच्चावच से संबंधित। अब इसमें ABCD करके लिखते चलिएगा, बेसिकली 2 पार्ट है, पहला पार्ट है स्थिति और उच्चावच से संबंधित, सेकंड पार्ट इसको अभी नहीं लिखना, ये होगा आपका पवन और वायु से संबंधित, वायु दाब से, तो सेकंड अभी नहीं आ रहे हैं, अभी हम किसमें चल रहे हैं, फर्स्ट के ही सब सेगमेंट में अपन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका पहला जो है बहुत कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षांश, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ये कारक है, ये फैक्टर्स है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, कैसे प्रभावित करेगा इसको हम समझते हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड, कोई बताएगा मुझे कैसे प्रभावित करेगा, ओके, ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, चलिए, सो इस पे अगर आप देखेंगे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, अब यहां से हम लोग फ्लैश मारते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां से ये फ्लैश किया, लाइट्स बंद करवा दो क्या, ठीक है, चलिए, तो हमने ये फ्लैश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हम फ्लैश कर रहे हैं, ये सूर्य है, सूर्य का कंडीशन कुछ इस प्रकार का होता है, और आप ध्यान से देखिएगा सेंटर पे बिल्कुल आपका स्ट्रेट आ रहा है, और ये वाले पोर्शन में कैसे दिखेगा आपको, तिरछा है, इंक्लाइन है, और इधर वाले में जा ही नहीं रहा है, अगर ऐसे देखूंगा तो पीछे वाले में जा ही नहीं रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग हाईवे वगैरह में कभी गाड़ी वाली ड्राइव की होगी, अगर गुस्सा भी आया होगा जब स्पेशली 2-way रहता है तो मुंह से बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते होंगे, है ना, जब अपर डिपर कोई नहीं करता, राइट, आपने देखा जब एकदम फ्रंट में रहो, एकदम ऐसे रहते सामने पड़ता है और थोड़ा सा साइड हो जाओ तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और आजकल तो LED लाइट्स भी आती हैं तो और खतरनाक रहती हैं, हेलोजन तो थोड़ा ठीक भी रहता है, LED तो और कुछ ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, और जो छपरी वाले LED लगाते हैं वो तो कुछ और खतरनाक, जबरदस्ती मतलब इनबिल्ट रह रहे तो ठीक है, वो मार्केट से 250-300 का लगा लेंगे, ऐसे 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 जलते रहते हैं, सो डायरेक्टली अगर पड़ता है तो वहां पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, और जैसे थोड़ा तिरछा होगा तो उसका इंपैक्ट कम होता जाएगा। यहां पर क्या होता है, 6 months के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीटली, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए उधर से सूर्य की किरण आ रही है ना, अब ये पृथ्वी घूमेगा तो इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली पड़ रहे, और इधर वाला क्या रहता है, पूरा तुम्हारा खाली रह जाता है, मतलब यहां पर आपका सन रेस नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में ऊपर वाले पोर्शन में सनलाइट कम आएगा, यानी कि वहां पे रात रहता है, और नीचे वाले में आपका डे रहता है,
मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जहां पर सीधा पड़ रहा है वहां पर तापमान आपका ज्यादा रहेगा, और जहां पर सीधा नहीं पड़ रहा है वहां पर तापमान आपका कम रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, शब्दों में हम लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे ही हम दूर जाते हैं मतलब तापमान में क्या आता है, गिरावट, क्योंकि ध्रुवों पर ही आपको देखने को मिलता है ठंडी और भूमध्य रेखा कैसा रहता है, हमेशा गर्म रहता है। तो एक लाइन में लिख लीजिएगा अक्षांश वाले पॉइंट में, भूमध्य रेखा से, इसलिए उत्तर दक्षिण नहीं लिखा रहा हूं, चाहे आप भूमध्य रेखा से उत्तर जाओ चाहे आप दक्षिण जाओ टेम्परेचर डाउन ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो लिखेंगे भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है या तापमान में गिरावट होती है। देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान में गिरावट या तापमान में कमी देखने को मिलती है। सिंपल है, एकदम एक लाइन में लिखा है, इसको आप आराम से तीन चार में एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे बता रहा हूं, मान लेते सिर्फ वही पॉइंट आता है चार नंबर का कि अक्षांश कैसे किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है समझाएं। मान लेते यही क्वेश्चन आ गया चार नंबर का, है ना, मैंने एक लाइन बस लिखा है, एक्सटेंड करना तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है आप फिर एग्जाम्पल बताना और यहां पर इस प्रकार का छोटा सा डायग्राम बना लेना। आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे और बताना कि भैया देखिए ये है हमारी पृथ्वी और यहां पर है हमारा इक्वेटर, ठीक है। फिर आप उनको बोलना इसको हमने जीरो डिग्री नाम दे रखा है, ये 23.5 होता है नॉर्थ होता है, 23.5 ये आपका साउथ होता है, यहां पर 90 है जिसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, यहां पर 90 जिसको साउथ पोल कहा जाता है। और आप बता देना इधर जैसे जैसे जाएंगे और इधर जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान T1 ले लो, इसको T2 ले लो, इसको T3 ले लो, और अब बताना कि T1 इज ग्रेटर देन T2, अगेन T1 इज ग्रेटर देन T3, ऐसे बता देना। तो इस प्रकार से आप उसको विस्तारित कर सकते हो कि तापमान इन क्षेत्र में ज्यादा होगा और उधर आपका कम होगा तापमान। चाहो तो आप एक ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में आप इस प्रकार से बना सकते हैं और आप बताना ये ऐसा, ये आपका जीरो डिग्री वाला होगा, इसको आप लोग 90 डिग्री ले लीजिए, इसको भी 90 ले लीजिए, 90 नॉर्थ 90 साउथ, और ये क्या बढ़ रहा है, इधर जाने पे आपका तापमान बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखिए तापमान सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है आपको, ये एक्सेस जो है ये किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है। ये एक्सेस जो आपने बना रखा है ये किसके लिए है, अक्षांश के लिए है। ये अक्षांश का है, यानी कि लैटिट्यूड का है, ये किसका है, ये तापमान का है। तो आप देख रहे हैं ना जी, जैसे जैसे ग्राफ समझ आता है, बनाए हो कि नहीं बनाए हो कभी। और मेरे ख्याल से ना ये एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट करके ऐसा कुछ टॉपिक है, जैव विविधता प्रवणता, पढ़ा है, सेम चीज है वो, कुछ नया नहीं है। तो देखो एक जगह पढ़ते हो तो दोबारा फायदा होता है इसका, और वैसे भी पता है ये आप मैथ्स में बहुत अच्छे से करना है इसको, इस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेकर्स को अट्रैक्ट करता है कि हाँ आपने इन चीजों को ऐसा बनाया करके, ठीक। तो एकदम सिंपल सी बात है, दो एक्सेस हम लेके चलते हैं, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये जो भी ले लो एक्स और वाई लो, इसमें हमने अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लिया है, इसमें हमने क्या लिया है, तापमान लिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 90 0 90 ऐसा क्यों रखा है, तो इधर भी तो ऐसे ही रखे ना, इधर देखो 90 0 90 सेम, उसको मैंने कहां पर बना दिया, इधर बना दिया। अब हम यहां पर देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इस एक्सिस में जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, मेरा तापमान बढ़ रहा है। और अगर आप इस पॉइंट को आप देखिएगा, ये ग्रीन कलर की जो मैंने बना रखी है, तो यहां पर आप देखिए तापमान कम है, यहां पर थोड़ा ज्यादा, यहां पर थोड़ा ज्यादा, यहां पर थोड़ा ज्यादा, और यहां पर सबसे ज्यादा। तो ये क्या है, टी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम तापमान कहां पर मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा के आसपास। एकदम ऐसा नहीं कि जीरो पे आए हाई टेम्परेचर, जैसे ही बाहर निकल गए लो टेम्परेचर, वो जस्ट क्या है, आसपास वाला रीजन है, ठीक। बना लिया सबने, तो एक्सटेंड कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन अगर ये आएगा तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड जो है आपका अक्षांश के बाद है नंबर टू, यानी कि इसमें बी लिखेंगे ना, तुंगता। क्या होता है जी तुंगता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने लोग हैं हिंदी मीडियम, क्या होता है जी तुंगता, एल्टीट्यूड है ना, वो लैटिट्यूड था और ये एल्टीट्यूड ऊंचाई, या समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब वही है, पहला था लैटी और दूसरा है एल्टी, ठीक। बस पलट दिया उसको, ये कैसे फर्क पड़ेगा इससे, प्रेशर हाई होगा टेम्परेचर लो होगा, ठीक है ना,
एकदम देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमें तापमान में भी कमी देखने को मिलती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमें तापमान में भी कमी देखने को मिलती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट्स, डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट्स। इसके बाद लिखना आ गया, नोट करके लिखने हैं। प्रत्येक एक किलोमीटर की ऊंचाई में कितने डिग्री सेल्सियस, 6.5 लिखना, प्रत्येक एक किलोमीटर की ऊंचाई में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस फॉर या फॉल फॉर पर किलोमीटर, सॉरी हां, प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस या डाउनफॉल फॉर इच किलोमीटर या पर किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने समुद्र तल से लिखा है, तो आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, नीचे जाओगे तो भी टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, प्रेशर भी दोनों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नीचे भी आपका प्रेशर क्या होता जाता है, आपका बढ़ता चला जाता है ना, तो वो आपका वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर हमको ओपन वाले एरिया पे लेना है, सी वाले एरिया पे हम यहां पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सी लिखेंगे, सी, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो क्वेश्चंस आए यहीं पर आधारित है ना। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट है समुद्र तल से, सॉरी समुद्र तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, सॉरी हाँ एक एक बोलिए, हाँ हाँ यस। देखिए इसमें दो चीज होता है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं समकारी प्रभाव कहते हैं इसको, या मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बोला जाता है। जितने भी आपके कोस्टल रीजन होते हैं, ठीक है, ये कोस्टल रीजन, यहां पर आपके बहुत बड़ी बॉडी होती है, वाटर बॉडी है, जल निकाय है ये, और इधर क्या आपका स्थल है, यानी कि ये लैंड बॉडी है। एक इसका नियत या फिर इसका एक कैरेक्टर देखने को मिलता है कि पानी जो रहता है आपका, वाटर जो होता है, ठीक है, या जल बोल लीजिए आप इसको, इसकी गर्म होने का जो दर है किसकी तुलना में, स्थल लैंड की तुलना में थोड़ा सा धीरे गर्म होगा और थोड़ा सा धीरे भी ठंडा होता है, ये सिंपल है ये। यानी कि अगर आप उसको गर्म करेंगे, जैसे पानी आप गर्म करिए, गर्म करके देखना आज घर में जाके, चढ़ाना बढ़ जा सा, गैस में करना, इंडक्शन में मत करना, ठीक है ना, तो गैस, क्योंकि इंडक्शन तो बहुत जल्दी कर देता है, गैस में जैसे आप गर्म करेंगे, जैसे ही दो मिनट होगा, एक गंजी में बढ़िया सा पानी ले लेना, एक पतीले में, आप जैसे ही देखना दो मिनट होगा, उंगली डाल के देखना नहीं गर्म होगा, लेकिन उसी को पकड़ के देखना नीचे से, ऐसा जहां पर आपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, चलो ऊपर कोई पकड़ के देखना, वो जल्दी गर्म हो जा रहता है। ठीक है, सेम जैसे लोहा और लकड़ी की हम बात करते हैं, यहां पर भी ऐसे ही होता है। आप आयरन और वुड वाले कोई भी आइटम देख लीजिए, पार्क में चेयर्स लगे रहते हैं, गर्मी के दिन में जाना 12 बजे बैठना लोहे के चेयर में, बैठेगा कोई नहीं, लेकिन लकड़ी में बैठ सकते हैं। सेम ठंड के दिनों में आप जाइए, जैसे स्टेशन वगैरह में आप जाएंगे, देखना मिलेगा आपको, पहले जमाने में होते थे लकड़ी के, आजकल तो सब लोहे वाले मिलते हैं, बहुत ठंडा हो जाता है ये, तो इसकी क्वालिटी होती है। सेम पानी जो रहता है लेट से गर्म होगा और लेट से ठंडा होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को एक गिलास पानी गर्म करना है, जल्दी हो जाएगा, वही मैं बोलूं कि मेरे को पूरा एक बांगा, पूरा एक गंजी पानी गर्म करना है तो टाइम लगेगा। हमारे पूरा, चलो सिंटेक्स को उठा के गर्म करता हूं मैं, ठीक है, मान लेते सिंटेक्स जो है लोहे का है, बहुत टाइम लगेगा। अब आप खुद तुलना करें कि भाई इतना बड़ा ओशन, इतना बड़ा महासागर है, उसको गर्म और ठंडा होने में तो समय लगेगा, और जब तक वो गर्म होता है ना, तो इधर हमारे यहाँ क्या आ चुकी होती है, ठंडी आ चुकी होती है, और जब तक फिर ठंडा होता है तो क्या आ चुका होता है, गर्मी आ चुकी है। मतलब ये होता है कि भाई जब तक काम करना होता है तब तक इसका रिवर्स कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, और यही रीजन है कि ठंड के दिनों में भी यहां पर आपको, अच्छा इसको छोड़िए, आप लोग कभी तालाब वालाब के किनारे भी कभी बैठे होंगे, नदी वदी के किनारे गए होंगे, गर्मी के दिन में जाना थोड़ा सा ठंडकता का एहसास होता है, और मतलब उल्टा वाइस वर्सा है ना, आप ठंड में जाओगे तो थोड़ा सा गर्मी लगेगा, ये होता है हल्का फुल्का, ठीक।
चलिए सेम आप धरती का पानी जो नीचे से आता है देखना, गर्मी के दिन में पानी कैसा आता है, ठंडा आता है, और ठंड के दिनों में ये है मतलब फैक्ट है, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है। सो सेम यहां पर भी होगा, आपका जो समुद्री क्षेत्र रहता है वो बहुत लेट से ठंडा और बहुत लेट से गर्म होता है, यानी कि थ्रू आउट ईयर यहाँ पे जलवायु या यहाँ का जो तापमान है लगभग समान बना रहता है। इनका जो तापांतर है याद रखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, ये कैसा रहता है, बहुत कम होता है। टेम्परेचर नहीं बोल रहे ना हम, टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहे हैं। हो सकता है जैसे आप अमेरिकन कोस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको लाइक 5 डिग्री टू 10 डिग्री मिलेगा थ्रू आउट ईयर, ठीक है, या आप नॉर्वे वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पर हो सकता है हमेशा जीरो के आसपास मिलेगा, या आप नीचे वाले में आ जाइए बिल्कुल एकदम लाइक इक्वेटर के आसपास इंडोनेशिया वाले रीजन में तो वहां पर 35-40, ये थ्रू आउट ईयर आपको समान मिलेगा, इसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। बट जैसे ही आप इधर सेंटर वाले रीजन में आते हैं, जैसे यहीं पर आ जाए रायपुर में आ जाए आप यहां पर, तो ठंड में कितना गया था, मतलब टेम्परेचर कितना जाता है, कितना 20, क्या बात करते हो, मेरे यहां खुद 8 डिग्री 10 डिग्री मैं खुद फील किया हूं, नहीं जाता 8-10 डिग्री नहीं जाता यार यहां पे, क्या बात करते हो, कैसे नहीं जाएगा जी, अरे नहीं लिखा छोड़ो ना, अरे कभी मोबाइल पे ऐसे देखना, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, 8-10 डिग्री तो जाता है, भिलाई में जाता है, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जब भिलाई में जाएगा तो यहां ऐसा कौन सा एकदम डिस्टेंस थोड़ी है, जाएगा ना, ठीक है। सो अबाउट चलो 10 ले लेते हैं, आज तो मैंने खुद देखा, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा मैं, ठीक है, चले ऐसे लगाते थे ना पहले, हाँ 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 ठंडी लग रही है ऐसे करके। सो 10 डिग्री लगभग मैक्सिमम कितना जाता है, 45 तो जाता ही है, 47-48 तक भी गया है, ठीक है, चले आपकी खुशी के लिए 45 ले लेता हूं। अब बताओ डिफरेंस कितने है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, ये मिनिमम टेम्परेचर हमारे 10 डिग्री एंड मैक्सिमम हमारे कितना है 45। रायगढ़ वगैरह में और खतरनाक रहता है, आप देखना बिलासपुर रायगढ़ वगैरह में तो वहां पे मतलब गया 48 वगैरह समथिंग गया है, और पेंड्रा साइड भी आपका बहुत कम चला जाता है, ठीक है। सो वहां पर तो 35-40 एकदम कॉमन है डिफरेंस, चलो उसको छोड़ो दिल्ली दिल्ली में और खतरनाक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेगी भैया, 2-3 डिग्री तक चला जाता है यहाँ पे, देखा होगा शीतलहर जब आती है वैसे ही जब 47-48 यहाँ पे टच करता है, मतलब 40 कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब हम आते हैं कोस्टल रीजन में, जैसे कोई सा भी कोस्ट रीजन ले लीजिए, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि, जहां पर भी आप जाएंगे अगर ठंडी में टेम्परेचर यहां पर फॉर एग्जाम्पल 25 है तो गर्मी में 35 होगा, अगर ठंडी में 30 है तो गर्मी में 40 होगा, बस यही आपका 10 डिग्री के आसपास जो है डिफरेंस देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या बताया मैंने, ये समकारी प्रभाव, तो लिखेंगे इसमें, सॉरी अरे लिखने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेना, इसीलिए तो ई बुक दिया जाता है, ठीक है। लिखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापांतर बहुत कम होता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापांतर बहुत कम होता है, देयर इज वेरी लो टेम्परेचर डिफरेंस एट कोस्टल रीजन, देयर इज वेरी लो टेम्परेचर डिफरेंस एट कोस्टल रीजन, लिखना इन जगहों पर या इन स्थानों पर समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, इन स्थानों पर समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन दिस रीजन, समकारी प्रभाव, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, आगे बढ़ना, जबकि भू आविष्ठित या लैंड लॉक्ड क्षेत्रों में, इन अदर हैंड द लैंड लॉक रीजन, जबकि भू आविष्ठित क्षेत्रों में मौसम का या जलवायु की चरम स्थितियां देखने को मिलती हैं, इन अदर हैंड इन लैंड लॉक रीजन देर इज अ एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट, देर इज एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट, जबकि लैंड लॉक्ड या भू आविष्ठित क्षेत्रों में मौसम या जलवायु की चरम स्थितियां देखने को मिलती हैं, अर्थात विषमकारी जलवायु, ठीक है, अर्थात विषमकारी जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, ठीक।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ऐसा इसलिए होता है, नीचे से लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्योंकि स्थल की तुलना में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थल की तुलना में जल देरी से गर्म और ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थल की तुलना में जल देरी से गर्म और ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज वॉटर बॉडी, वॉटर बॉडी गेट्स कूल और हॉटर लेट एज कंपेयर टू लैंड बॉडी। वॉटर बॉडी गेट्स कूल और हॉटर लेट एज कंपेयर टू लैंड बॉडी। स्थल की तुलना में जल जो है वो धीरे से या देरी से गर्म और ठंडा हो रहा है। यही कारण है कि तापांतर यहां पे कम है और लैंडलॉक्ड भू आबद्ध या समुद्र से दूर जो क्षेत्र है वहां पर तापांतर ज्यादा है और वहां पर पाए जाने वाली जलवायु है एक्सट्रीम यानी कि विषमकारी, ठीक है, या चरम स्थितियां। जबकि समुद्र किनारे जो जलवायु पाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, समकारी यानी कि मॉडरेटिंग। क्लियर। चलिए अब जो दो प्रश्न आए थे वो क्वेश्चन को लिखते हैं एज इट इज और उसका आंसर भी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये था, या पूरे प्रभाव को लिखा दूं क्या, सॉरी प्रभाव बोलता हूं, पूरे पॉइंट्स को पहले लिखेंगे कि उसके, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है नहीं, दोनों पॉइंट्स से क्वेश्चंस, क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन है ऊटी और शिमला दोनों लगभग समान ऊंचाई पर हैं। ऊटी और शिमला दोनों लगभग समान ऊंचाई पर हैं। ऊटी एंड शिमला बोथ आर इन ऑलमोस्ट इट सेम हाइट या एलिवेशन, लेकिन लेकिन दोनों के जलवायु में अंतर है, ऐसा क्यों? बट द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट एट बोथ द रीजंस व्हाई। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, क्या था, लंबा था, मैं शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक, भाव वही है उसके क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए तो भावार्थ वही है। क्वेश्चन एक्चुअली पूछा था कि ठंडा में ये ज्यादा ठंडा, गर्मी में ये ज्यादा गर्मी, ऐसा समथिंग कुछ था, तो मैंने उसको बस चेंज कर दिया है, शॉर्ट में लिखा दिया है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वही है, ठंडा में ज्यादा ठंडा, गर्म में कम गर्म, एंड ऑल ऐसा। सो क्यों ऐसा? अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। किसकी किसकी बात करी इन्होंने, ऊटी और शिमला। पहला लाइन क्या बोल दिया इसने, एलिवेशन क्या है, लगभग दोनों का समान है, इसका मतलब हाइट वाला पॉइंट अब यहां पर काम करेगा क्या, उसको आपने कांस्टेंट बना लिया, दे आर एट कांस्टेंट हाइट। अब बताएं, अब वो क्या कारण है जिसके लिए ये दोनों के दोनों अलग अलग जलवायु का अनुभव कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस बोथ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्यों? सबसे पहला बताओ, लैटिट्यूड सबसे पहला होगा नंबर वन, क्योंकि दोनों अलग अलग किस पर है, अक्षांशों पर है। और जब कटिबंध आप देखने जाएंगे, कटिबंध समझते हैं ना, ट्रॉपिक्स, तो आप बताएं कौन किस ट्रॉपिक में आएगा। आप जब बनाते हैं, भारत कौन से कटिबंध में है, दोनों में है। छत्तीसगढ़ का ज्यादा पोर्शन किस में है, ट्रॉपिकल में है। लेकिन अभी आप किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर हम बना लेते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। ये वाला रीजन क्या है तुम्हारा, कर्क रेखा। ये कौन सा रीजन है, मकर रेखा, ठीक है। आइए यहां से आप देखिए तो इंडिया का पोजीशन लगभग ऐसा कुछ है, ठीक इधर है ना। अब इस इंडिया में ऊटी की हमने बात कर ली, तो ऊटी कहां पर है, ये इधर ऊटी है, बहुत नीचे में है। और इधर कौन है तुम्हारा, शिमला है। तो सबसे पहला जो लाइन है वो क्या आधारित होगा कि भाई, पहला जो लाइन आप लिखेंगे, लिख लो इसको, आंसर लिखो, लिखेंगे ऊटी या उद्गमंडलम, ऐसा कुछ आया था ना, उद्गमंडलम ऐसा पूछा था, ठीक है। ऊटी की स्थिति, ऊटी की स्थिति भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है,
द लोकेशन या पोजिशन ऑफ फुट इज इन सदर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन. भारत में, सॉरी, ऊटी की स्थिति भारत के दक्षिणतम अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है. सदर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन. लिखना, वहीं शिमला की स्थिति भारत के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध, वहीं शिमला की स्थिति भारत के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध. वाइल द पोजिशन ऑफ शिमला इज इन नॉर्दर्न साइड, दैट इज टेम्परेट रीजन. दैट इज टेम्परेट रीजन. हो गया, आगे बढ़िए. नेक्स्ट, इसके नीचे लिखना ना, नीचे लिखेंगे. ग्रीष्म ऋतु में, इन समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भारत का उत्तरी क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु में भारत का उत्तरी क्षेत्र विषमकारी प्रभाव के कारण अधिक गर्म होता है. द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया इज मोर हॉटर ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन या इफेक्ट. ग्रीष्म ऋतु में भारत का उत्तरी क्षेत्र विषमकारी प्रभाव के कारण अधिक गर्म होता है. द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया इज मोर हॉटर ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है, लिखना. जबकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपी भारत समकारी प्रभाव के कारण तुलनात्मक रूप से कम गर्म होता है. वाइल द साउथ इंडिया या पेनिनसुला इंडिया इज लेस हॉटर एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. तो जो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि ये लाइन्स आपके लिए लिखना आवश्यक है ना. समकारी प्रभाव के कारण जो है दक्षिण भारतीय क्षेत्र में तापमान कम होगा, विषमकारी प्रभाव के कारण उत्तर भारतीय क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ज्यादा होगा. अब क्वेश्चन समझना एग्जैक्टली क्या पूछा था, कि ग्रीष्म ऋतु में जो शिमला है वो ज्यादा गर्म होता है और शीत ऋतु में शिमला ज्यादा ठंडा होता है, जबकि दोनों क्या है आपके एक ही हाइट पर है. तो आपने पहला एक दो सिंपल कारण बताया कि भैया देखिए ये पहला जो कारण था वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं था, लेकिन बताना जरूरी था कि सिर्फ अक्षांश के कारण दोनों में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है. बट चूंकि शीत ऋतु में अपन ऊपर चलते हैं और हमको पता है भाई शीत ऋतु में जो एक्सट्रीम इफेक्ट झेलेगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, साथ ही साथ जो गर्मी को झेलेगा वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगा. दूसरा ये भी है कि जो शिमला है एकदम से ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा महान हिमालय में तो वहां पे पूरा बर्फ की चादरें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, वो लघु हिमालय वाले रीजन में आता है, तो लघु हिमालय वाले जितने भी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं वहां पे गर्मी भी ठीक ठाक पड़ेगी. जैसे अगर आप कभी मनाली वगैरह गए होंगे, कुल्लू मनाली कोई गया है, आप गए हैं? हाँ, अच्छा ऐसे किए क्या, सॉरी. सो अगर कभी आप जाएंगे तो कुल्लू स्पेशली ठंड में भी आप जाओगे, मतलब चलो एकदम ठंड में तो ठंड रहेगा, ठंड इन द सेंस अभी लाइक ये मार्च वगैरह में जाओगे तो पसीने आएंगे आपको, कुल्लू की बात कर रहा हूँ. मनाली से थोड़ा ऊपर जब आप निकलोगे वो रोहतांग वाले रेंज पे, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ पहाड़ों में आए हैं ऐसे करके, अदरवाइज एकदम नॉर्मल लगेगा तुमको. ठीक है, शिमला तो वो तो और कम हाइट पे है. सेम जैसे आप ऊटी जाते हैं या विशाखापट्टनम में कौन सी वैली, अर्कू वैली, वहां भी आप जाएंगे तो ठंड में बस थोड़ा लगेगा, अदरवाइज दो महीने को छोड़ के बाकी महीने में आपको गर्मी ही लगनी है, वो रात में बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो सकता है. तो ये क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो मेन रीजन समझ आए, मेन कारण क्या था इसका, समकारी प्रभाव ने ही क्या किया, उत्तर भारतीय क्षेत्रों में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड. क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे पूछा था कि गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में अधिक ठंड क्यों होता है. ठीक है, एक और जो कारण है, हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के अगर बड़े प्रश्न बने तो इस रीजन को भी आप बता सकते हैं, लिख लेंगे उसी के नीचे. यस,
समुद्र तट से ऊटी जो है ज्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर है। हाँ समुद्र तट से बहुत दूर है, इसलिए गर्मी में बहुत गर्म है और ठंडा में बहुत ठंडा है। एक और कारण उसको लिखेंगे, हालांकि ये कारण आपको जब स्पेस होगा तब लिखना या क्वेश्चन और बढ़ाएगा तब लिखना। दोनों में बताओ भाई वो कौन सा क्षेत्र है जहां से हिमालय नजदीक है या जहां से शीतलहर चलने की संभावना है। डेफिनेटली शिमला है ना, तो इसको भी लिखेंगे। क्योंकि शिमला शीतलहर के प्रभाव में, क्योंकि शिमला शीतलहर के प्रभाव में होता है। कब होता है? हाँ शीत ऋतु में, विंटर सीजन में। ठीक है, शिमला एक्सपीरियंस द कोल्ड ब्रीज इन विंटर सीजन। शिमला शीत ऋतु में शीतलहर के प्रभाव में होता है, इसलिए क्या होता है ये अधिक ठंड होता है। ये जी पश्चिमी विक्षोभ वो तो गर्म करते हैं मौसम को। हाँ ठंड में जो आता है, जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ना वो मौसम को गर्म करता है। ये क्वेश्चन आया था जो रात्रि में मौसम को, या ऐसा कुछ आया था कि नाइट को या विंटर को प्रभावित करता है समथिंग। तो जो विक्षोभ आते हैं, डिस्टरबेंस, जितने भी चीजें आपकी मॉइस्चर कंटेन करके आती हैं, जिनके पास बारिश होती है, वो ज्यादातर मौसम को गर्म करते हैं। गर्म या यूं कहें कि बैलेंस करते हैं, वो ऐसा ठंडा नहीं करते। शीतलहर अलग है, मतलब जिनके पास मॉइस्चर हो गया फिर ना तो गर्मी लगेगी ना तो ठंडी लगेगी उसमें। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे लू वाला पढ़ने वाले, तो शीतलहर जो रहती है काफी शुष्क होती है, ठंडी हवाएं होती है वो, इसलिए आपको ठंडा लगता है। और दूसरा जो रहता है आपका लू जो रहता है वो भी गर्म हवाएं होती है, उसमें पानी नहीं होता। तो जिनमें पानी होगा वो मौसम को बैलेंस कर देता है या क्लाइमेटिक कंडीशन को बैलेंस करता है। ठीक है, तीसरा लिख लेंगे। और तीसरा बोलता हूं सी ना, ए बी सी के डी, डी लिखना है। चलिए अभी हम इसमें नहीं आए हैं ना, अभी हम इसी में, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन था सुन लो, फिर उसके बाद बढ़ते अपन आगे। एक प्रश्न ये था वर्षा वाला था, खैर वो उसको इसके बाद लिखेंगे क्योंकि उसका कारण इधर आपको समझ आएगा। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे। अगला है डी उच्चावच रिलीफ, अगला है उच्चावच, डी में लिखेंगे उच्चावच यानी कि रिलीफ। ये क्या होता है जी? देखिए पठार या पहाड़ का ऐसा कंडीशन या उनका ऐसा होना कि वो उस क्षेत्र के सीधे सीधे जलवायु को ही प्रभावित कर दे। जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान से समझना, मान लेते हैं हमारा जो भारत है यहां पर बहुत बड़ा एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है जी इसका? ठीक है, मैं अगर यूं कहूं कि ये वेस्टर्न घाट यहां ना होता, या ये वेस्टर्न घाट जो है ना यहां होने के बजाय इधर होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पर होता, और इधर क्या रहता पूरा मान लेते हैं प्लेन्स होता। ठीक है, तो क्या लगता है बारिश कहां पर होती? इधर ही होता ना, मतलब पूरा पूरा ये बारिश वाला क्षेत्र होता, अच्छा खासे झमाझम बारिश होता, हाया ना। लेकिन जस्ट बिकॉज इसको हमने क्या कर दिया, भाई साहब को बोला कि भैया चलो तुम्हारी यहां जरूरत नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर आ जाओ, हमने क्या कर दिया इसको, खिसका दिया। और अब कंडीशन क्या हो रहा है कि जो बारिश ना जो पूरे क्षेत्र में होनी थी उधर नहीं हो रही, सिर्फ किधर होंगी जी बारिश? इधर होंगी। और इसका जस्ट ये वाला जो स्लोप है, ये वाला, ये क्या रहेगा आपका? रैन शेडो यानी कि लीवर्ड साइड होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक दीवाल है और इस छत को मैंने उड़ा दिया, उधर से पीछे से कोई पानी मार रहा है, तो क्या चांसेस है कि इन लोग ज्यादा भीगेंगे कि आप लोग भीगेंगे? इन लोग भीगेंगे, इन लोग, ये तो भाई साहब एकदम बचे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसके किनारे हैं। तो पवनाभिमुख और पवन विमुख दो टाइप की चीजें होती हैं, याद रखना। इसको आप ऐसे समझें, ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है और इधर से आ रहा है ना, ये इधर से कोई विंड आ रही, जिनके पास क्या है मॉइस्चर है, नमी है, तभी बारिश करेगी। ठीक है, तो इस वाले ढाल को बोलते हैं पवनाभिमुख। ये वाला क्या होता है? पवन यानी कि पवन के अभिमुख। और ये वाला ढाल क्या होता है? पवन विमुख। मुंह मोड़ लेना।
ठीक है ना, तो इसने मुंह मोड़ लिया। ठीक, तो ये जो स्लोप होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव स्लोप, ये डायरेक्ट स्लोप पवनाभिमुख को, और ये जो होता है तो निगेटिव स्लोप। ठीक है, यहां पर होगा ये कि बारिश जो है इस क्षेत्र में ज्यादा होंगी या यहीं पर आपका पूरा वर्षा होगी, और ये रीजन है, ये आपका होता है लीवर्ड साइड, लीवर्ड, या इसी को बोलेंगे रैन शेडो जोन, या फिर वृष्टि छाया। ठीक, ये बना लीजिए, लिखना है इसमें। लेकिन भारत में पश्चिमी घाट की स्थिति इस प्रकार है, भारत में पश्चिमी घाट की स्थिति इस प्रकार है कि इसका पश्चिमी ढलानों पर, कि इसके पश्चिमी ढलानों पर अच्छी वर्षा होती है। द लोकेशन या पोजिशन ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया, द लोकेशन या पोजिशन ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज सच वे दैट इट्स वेस्टर्न स्लोप रिसीव्स हाई रेनफॉल, इन सच वे दैट इट्स वेस्टर्न स्लोप रिसीव्स हाई रेनफॉल। भारत में पश्चिमी घाट की स्थिति इस प्रकार है कि इसके पश्चिमी तटों पर अधिक वर्षा या ठीक ठाक वर्षा होती है, किंतु, दूसरा पॉइंट है उसी के नीचे, पॉइंट बना के लिखा करो ना, किंतु इनके पूर्वी ढलानों पर, किंतु इनके पूर्वी ढलानों पर पवन विमुख दिशा होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती, इनके पूर्वी ढलानों पर पवन विमुख दिशा होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती। द ईस्टर्न स्लोप इज अनअफेक्टेड बाय रेन, द ईस्टर्न स्लोप इज अनअफेक्टेड बाय रेन ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट स्लोप ऑफ विंड। इसका पूर्वी ढलान, इस पर वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि ये पवन विमुख या पवन अभिमुख, सॉरी पवन विमुख जो ढाल हैं उस दिशा में आते हैं। लिखना इस प्रकार इन क्षेत्रों को जहां पर वर्षा नहीं होती, इस प्रकार इन क्षेत्रों को जहां पर वर्षा नहीं होती उन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इन दिस वे द रीजन विच डज नॉट रिसीव रेनफॉल, विच डज नॉट रिसीव रेनफॉल इज नोन एज लीवर्ड साइड या रेन शेडो जोन। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती उन्हें क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। ठीक, ये एक बार यहां पर लिखा आपने, अब क्या करना है, जहां जहां पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हर जगह पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है इन तथ्यों को। मतलब यहां पर भी वही चीज सेम होगी, जो प्लेस है वही आपके डिफरेंट होंगे और रीजंस है वो क्या होंगे आपके सेम होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, प्रश्न लिख लो। मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा कम क्यों होती है, मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा कम क्यों होती है, वाई देर इज अ लो रेनफॉल या लेस रेनफॉल इन बैंगलोर एस कंपेयर टू मंगलौर। ठीक, 2 मार्क्स का है, चलो लिख के दिखाओ मुझे, यू हैव 4 मिनट्स, मेरी घड़ी में बज रहे हैं 4:11, 4:15। क्वेश्चन समझ आ गया, लिखो, 2 मार्क्स का है तो 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना, बी फास्ट, जिनका हो जाए मुझे बताना, सर आई हैव डन। ठीक है, अरे एकदम सिंपल है भाई, हाँ 2 मिनट सुन लो इधर, क्यों जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्यों एकदम शब्दों का जाल फेर रहे हो, किसी को इंप्रेस थोड़ी करना है, शेरो शायरी टाइप लिख दे रहे हो, एकदम साहित्यिक भाषा का उपयोग। ठीक है ना, यहां पर जो 2 कॉमन एरर आए आप लोगों को मैं बताता हूं, पहला जो है वो फैक्चुअल, ठीक है, और सेकंड जो आए हैं वो क्या है आपके, क्या बोलना चाहिए इसको, ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, हड़बड़ी बोलो, या
एक वर्ड है मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है क्या होता है ना जनरली, क्या हो गया जी, पटाखा ही देखा कुछ थोड़ी क्या होता है ना समटाइम्स, जैसे मैं बता रहा एकदम सिंपल सी चीज है, मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे राइट, और उधर से मतलब कोई भी आपके फैमिली पर्सन या कोई जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे से जानते हो और आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो आ जाए करके, या चलो उसको छोड़ो, जैसे मान लेते हैं आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे, मेंस एग्जाम लिखने जाएंगे, पता चला मैं वहां इन्विजिलेटर बन के आ जाऊं, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो ऐसा होता सब आते हुए भी नहीं बनता है, बड़े में कुछ मत करो चुपचाप बैठे रहो, कौन होता है ऐसा समटाइम्स, ये चीज होता है, मतलब आपको सब आ रहा है बट पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि नहीं लिख पाया, तो ये वाला मुझे शब्द नहीं पता, समझ गया ना भावनाओं को, समझ गया ना, तो वो चीज हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, क्लिष्ट बना दिया, बहुत ज्यादा क्लिष्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो क्लिष्ट नहीं करना है, मतलब आपको एकदम आसान, जैसे किसी एक की कॉपी या दो की कॉपी थी एकदम फाइन लिखा है उन्होंने, एकदम बोलते हैं ना इस चीज को डिट्टो वाला टाइप का वैसा, तो क्या स्टार्ट करना था सबसे पहले, देखिए अब जो फैक्चुअल में चलते हैं, फैक्चुअल में, और कुछ लोगों का फैक्चुअल सब ठीक था बस उसको सजाने के चक्कर में गलत कर गए वो, जैसे उदाहरण के तौर पे उधर कहां गए तमिलनाडु वाले, अच्छा हाँ यस, अरे इधर शिफ्ट हो गए वही ठीक है यस हाँ, तो आपने लिखा अब सब चीज लिखे थे लेकिन सिर्फ तमिलनाडु नहीं लिखते तो आपको टू आउट ऑफ टू मिल जाता उसमें, सिर्फ तमिलनाडु के कारण आपको जीरो मिलेगा, बात समझ आ रही, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं थे फिर भी आपने सोचा कि क्या पता तमिलनाडु लिख दूं तो कुछ और मुझे नंबर मिल जाए मैं दिखा दूं करके, ठीक है। सेम एक और स्टूडेंट ने आपका क्या था वेस्ट साइड था ना, ईस्ट वेस्ट था, एक और स्टूडेंट ने और ऐसे कुछ लिखा था उसका भी कुछ एकदम सिली मिस्टेक था, मतलब वो वाला पार्ट को नहीं लिखना था, अब चुपचाप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, पहले प्रश्न के डिमांड को समझो, क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्षा कहां पर ज्यादा हो रही है ये बताओ मुझे, इतना पता है कि नहीं, हाँ ना या ना, बंगलोर में वर्षा कैसे हो रही है, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, मंगलोर, इसमें किसी को डाउट, बी को क्या लिखूंगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों को उस दिन मैंने पोर्ट पढ़ाया था, पोर्ट किए ना हम लोग, तो मंगलोर किधर है जी, इधर है ना, और वैसे भी अब भी जस्ट मैंने वेस्टर्न घाट की मैंने यहां पर बात करी है, हालांकि अभी हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून जो है इधर एंट्री इस प्रकार करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट कौन हो रहा है तुम्हारा, मंगलोर हो रहा है, और ईस्टर्न पार्ट कौन हो रहा है तुम्हारा, बंगलोर, और जब साउथ वेस्ट ऐसे जा रहा है इसका मतलब सर ये वाला पार्ट आपका मंगलोर होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका बंगलोर होगा। इसके लिए एक और चीज है भाई, अगर आप चैप्टर वन और टू बहुत अच्छे से कर लो तो ये सब समस्या ही नहीं आएगी, बात समझ आ रही है मैं क्या बोला था, इसीलिए वन और टू को इतना ज्यादा कर लो, इतना इत्मीनान से कर लो, इतना डिटेल में पढ़ डालो कि कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे उस दिन मैंने कहा आप लोगों को जब मैंने पूछा कि भाई आप बाला सॉरी हाँ बलरामपुर तादा पानी की विशेषताएं लिखे तो आप बोले कि सर हर कोई लिख लेगा, लेकिन जैसे मैंने पूर्वा घाटी बोला तो कुछ लोग के मुंह बन गए, अरे ये कहां पर है, लेकिन कुछ था क्या उसका आंसर, कुछ नहीं था, बलरामपुर और दोनों का सेम था, बस पूर्वा घाटी में क्या लिखना था कि भाई ये कहां पर है, लद्दाख में है, बाकी पूरी चीजें क्या होती तुम्हारी कॉमन होती, समझ आ रहा है। इसलिए वन और टू को आप जितना ज्यादा हो सके आप स्ट्रॉन्ग करें, क्वेश्चन वैसे ही आपके पूछे जाएंगे। अब आपको क्या बताना था, आपने लोकेशंस बता दिया, फिर आप बताएं कि भैया मंगलोर जो है वो किधर है, सिंपल पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड या पश्चिमी स्लोप पर है, पश्चिमी ढलानों पर है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से यहां पर वर्षा होती है। दूसरा आप बताएं कि बंगलोर जो है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर है जो कि पवनाभिमुख है ना, या पवन के दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर बारिश कम होती है या वृष्टि छाया में आता है इसलिए यहां पर वर्षा कम होती है। जो मैंने सेंटेंस लिखा है था ना उसी में खाली इन दोनों सिटीज को क्या करना था, आपको ऐड करना था, एकदम सिंपल भाषा में लिखो, क्लिष्ट ना बनाए। सिंपल का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कई बार कई लोगों के बच्चे लोगों के मैंने देखा है कि वो जो है को छोड़ देंगे या करता है करती को छोड़ देते हैं, सर तो बोले थे सिंपल करना है, मैं आऊं मैं जाऊं खाऊं ऐसा, तो इस टाइप से भी सिंपल नहीं करना है, एकदम ज्यादा जो नॉर्मल पढ़ने में देखने में अच्छा लगे, क्लिष्ट बनाने की कोशिश ना करें। आइए अगला लिखते हैं, नेक्स्ट है, ये क्या प्रभाव थे सारे के सारे स्थिति और उच्चावस से संबंधित। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड में आ जाएं, सेकंड लिखिएगा वायु और पवन
या पवन और वायु दाब से संबंधित, पवन और वायु दाब से, या वायु दाब और पवन से संबंधित हो गया। इसमें पहला है मतलब एबीसीडी फिर से लिख लेते हैं। लिखना वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण, ये सेकंड पॉइंट हुआ, पवन और वायुदाब से जो प्रभाव होंगे वो। इसमें पहला यानी कि ए, वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो अभी जो थोड़ी देर पहले कंडीशंस हमने पढ़ी थी या लिखी थी, सेम उसी चीज को यहां पर रिपीट करना है। अब आपकी किताब में ना इसको दो अलग अलग सीजन के हिसाब से दिया है, अलग अलग सीजन यानी कि इंडिया में कितने सीजन होते हैं, इंडिया छोड़िए वर्ल्ड में कितने सीजन होते हैं, पूरे संसार में कितनी ऋतुएं होती हैं, कितने लोग हैं, तीन वाले, छह वाले, बारह, अठारह, दो वाले कितने लोग हैं, देर आर टू सीजन, दो दो वाले, केवल दो ही सीजन होते हैं याद रखना, कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन सा, विंटर सीजन और समर सीजन। कहीं कहीं विंटर में बारिश होती है और कहीं कहीं समर में, मोस्ट ऑफ द टाइम समर सीजन में ही बारिश या समर सीजन के एंड में ही बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया में तीन मान लेते हैं, फिर उसका सब सेगमेंट करते जाते हैं, जैसे बसंत, अभी कौन सी ऋतु चल रही है ना, बसंत, फिर क्या पतझड़, फिर ये, फिर वो, ऐसा वैसा, फिर शरद ऋतु, शिशिर, ऐसा बहुत सारा है, तो उतना नहीं पढ़ना है अपने को, बस इतना मान के चलना कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास तो दो ही हो सकते हैं। भैया एक सिंपल सी बात है, ये सूर्य की हम गति की हम यहां पर बात करते हैं, सन का जो अपेरेंट मोशन होता है यानी कि आभासी गति जो होती है, सूर्य जो है वो ठीक है वो गैलेक्सी के अराउंड घूम रहे हैं वो बात की बात है, बट इसके लिए जो है वो तो फिक्स माना जाता है, ठीक है। सो हम बोलते हैं कि सूर्य निकला, सूर्य डूबा, भाई सूर्य निकलता डूबता थोड़ी ये हो रहा है ना, ये आगे पीछे हो रहा है। सो एक बार इधर आपको डायरेक्टली हिट पड़ेगा और एक बार आपको इधर से जब आएंगे तो ये वाला साइड आपका पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है आपका ग्रीष्म ऋतु आता है और एक बार आता है आपका शीत ऋतु आता है। जब बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाए तो फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक, और लो होने के कारण फिर उस खाली जगह को भरने के लिए जो पवने हैं वो कहां से मूव करती हैं, समुद्र की तरफ से मूव करती हैं, किधर, लैंड की तरफ, और वही क्या बनता है, बारिश का कारण। तो जो अपना मैंने अभी तक बताया वो यही चीज है। तो लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। देयर इज अ लो प्रेशर एरिया रीजन इन समर सीजन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट लिखा रहा हूं, डिटेल करना है, पढ़ना है तो फिर उसी को जितना स्टोरीज मैंने बताई या किताबों में जितनी उसको लिखना, ठीक है। ये मतलब की पॉइंट है, ये आपके आंसर्स में होने चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में कैसा है, प्रेशर लो है। अब एक चीज जो मैंने लिखा रहा उसको आप खुद ही लिख सकते हो, क्या, चूंकि तापमान क्या रहता है यहां पर, हाई रहता है, तो ये चीज आप अपने से बता सकते हो। तो एक छोटा सा फॉर्मूला ले लेना, हमेशा अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा आपका, लो होगा। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना हमेशा, ठीक है ना। और फिर उसको सेंटेंस में बता देना भैया कि यहां पर प्रेशर लो इसलिए है क्योंकि तापमान क्या है, उच्च है, फिर कारण बताना। और हमेशा उच्च तापमान के कारण वायु संहति जो है कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है, इसलिए क्षेत्र वैक्यूम या निर्वात टाइप से हो जाता है और इसीलिए यहां पर प्रेशर कम हो जाता है। इतना लंबा जोड़ एक्सप्लेन करना जब आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ इसी को मुझे आंसर्स में लिखना है करके, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा लिखना शीत ऋतु में कैसा रहता है, जबकि शीत ऋतु में यहां पर उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। इन विंटर सीजन देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया रीजन, इन विंटर सीजन देयर इज हाई प्रेशर एरिया रीजन, शीत ऋतु में उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं एक दूसरे के, वाइस वर्सा, मतलब ये बढ़ा वो कम ये बढ़ा। अब हम आते हैं जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, दिस इज वैलिड ओनली फॉर ओपन सिस्टम,
क्लोज सिस्टम में वैलिड नहीं है, जैसे कि प्रेशर कुकर, देखा है प्रेशर कुकर, कितने लोग देखे हैं, सब देखे हैं, कुकर और प्रेशर कुकर एक ही है। एक क्लास में ऐसे हो गया था, एक बच्ची बोल रही थी सर ये क्या होता है, मैं बोला कुकर देखिए, बोलते हाँ अच्छा उसी को बोलते हैं प्रेशर कुकर, बोला हाँ कुकर और प्रेशर कुकर एक ही है, ठीक है। तो उसमें क्या लगा रहता है, सिटी और एक अल्लाह बीबी वाला ऐसा जो रहता है ना। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वहां पर, वो उल्टा आ रहा है क्योंकि क्लोज है, और सिटी को लॉक करोगे तो सीधा उड़ के छत के पार हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब उसकी रिलीज के लिए कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे रिलीज होता है तो प्रेशर फिर डाउन होता है, फिर आप उसको कर दो फिर प्रेशर डाउन होता जाएगा, रिलीज हो रहा है मतलब प्रेशर को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। और प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना, प्रेशर और स्ट्रेस जो अंदर से जो आता है, ठीक है ना, इसलिए ना तो प्रेशर लो ना ही आप स्ट्रेस लो, स्ट्रेस हमेशा इधर से आता है, प्रेशर दो स्ट्रेस मत लो। चलिए शीत ऋतु में लिखेंगे तापमान कम होगा और प्रेशर हाई होगा, एकदम सिंपल। आपने लिखा है कि शीत ऋतु में यहां पर उच्च दाब की स्थिति निर्मित होती है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया रीजन इन विंटर सीजन, ठीक, ओके। लिखना इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में, इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पवने समुद्र से स्थल की ओर गमन करती है, उसके नीचे लिखिएगा ना, उसी के नीचे, इस प्रकार पवने शीत ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर गमन करती हैं, इन दिस वे द विंड्स इन दिस, हां इस प्रकार पवने ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से या जल भाग से स्थल भाग की ओर या समुद्र से स्थल की ओर गमन करती हैं। इन दिस वे द विंड्स मूव फ्रॉम वॉटर बॉडी या ओशन रीजन टू लैंड रीजन, फ्रॉम वॉटर बॉडी टू लैंड रीजन इन समर सीजन। इन सबको आप ना हमेशा फॉर्मूला आता है ना वैसे लिखा करो, क्या लिखा आपने, गर्मी में किधर से किधर, समुद्र से स्थल की ओर, रीजन आपने बता दिया यहां पर, भाई गर्मी के दिन में कैसा था, टेम्परेचर उच्च था तो प्रेशर क्या हुआ तुम्हारा, लो हुआ, प्रेशर लो हुआ मतलब भाई वहां पर एयर मास तो है ही नहीं, सबके सब गर्म होने के कारण ऊपर उठ चुके हैं, अब उस जगह को कोई ना कोई तो फुलफिल करेगा ना, कौन फुलफिल करेगा भैया, जहां पर प्रेशर कैसा है, हाई है, तो प्रेशर हाई कहां पर रहेगा गर्मी के दिनों में, लैंड में या वॉटर में, लैंड में क्यों होगा जी, लैंड तो लो प्रेशर है, तो वॉटर बॉडी कैसा रहेगा आपका, उसकी तुलना में हाई होगा ना। आप इसको इस प्रकार से समझें, जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक कप है और एक ग्लास है, इस कप में रखा है चाय और इसमें भी रखा है चाय, जस्ट इमेजिन, मान लो, मैथ्स में मानते हो ना, मान लो कि है, अब ये जो चाय है ना ये है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, ये है लगभग 90 डिग्री सेल्सियस, कौन सा ठंडा है, ठंडा बोलोगे ना इसको, क्या यार ठंडा चाय दे दिया, ऐसी बोलते हैं ना जनरली हम लोग, जबकि चाय ऐसा ठंडा रहता है क्या, इतना ठंडा कि उससे मुंह धो लो या कुछ कर लो, नहीं ना, ठंडा का मतलब हो रहा है कि चाय जो है वो एकदम ऐसे रहना चाहिए कि ऐसे सिप सिप करके पिए, क्वालिटी होती है, यही होता है ना, बोलते यार ठंडा है, खाना भी ऐसे थोड़ा सा अरे ठंडा है, तो उसका मतलब क्या एकदम ऐसे बर्फ बर्फ दिखते रहता है क्या उसपे, नहीं ना। दूसरा मान लेते हैं जैसे अपन कुछ ठंडा आइटम लेके आए जो एक्चुअल ठंडा होना चाहिए और एक्चुअल ठंडा टाइप नहीं है, जैसे कि आइसक्रीम लेके आए, क्या यार कैसा आइसक्रीम दिया है ये तो गर्म है, जबकि आइसक्रीम गर्म हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता, ठीक है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, तो कहने का मतलब तुलनात्मक रूप से यहां पर प्रेशर कैसा है आपका, लो है, तो उसकी तुलना में यहां का प्रेशर हाई होगा। और रूल आपने पहले लिखा है यार कि हमेशा विंड का फ्लो किधर से किधर होना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपने डायग्राम बना दिया और बता दिया। अब सिंपल सी बात है, जब भी पवने मूव करती हैं हमेशा अगर उनके पास मॉइस्चर है तो क्या करेंगी, वो बारिश करेंगी, तो समुद्र से निकल रही तो मॉइस्चर लेके जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करते हैं वो बारिश करते हैं, तभी हमारे यहां फिर कौन सा सीजन आता है, बारिश का या वर्षा का। हालांकि ये एक मात्र कारण नहीं है, ये तो केवल एक इनिशिएट करने का है, इग्नाइट करने का है, मेन रीजन को हम लोग बाद में देखेंगे। आइए दूसरा को नहीं लिखा रहा हूं, दूसरा आप लोग खुद लिख लेंगे, मतलब ठंड के दिनों में क्या होता है, फिर पवने किधर से किधर मूव करेंगी, फ्रॉम
लैंड टू वॉटर बॉडी, यानी कि स्थल से जल की ओर या समुद्र की ओर, ठीक है। लेकिन अब बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी, एक ही जगह पर होगी। क्यों होगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, सेकंड है, मतलब बी है, टू का ए हो चुका, अब टू का बी लिखेंगे। वायु सहती और जेट स्ट्रीम, बी है वायु सहती, एयर मास एंड जेट स्ट्रीम, एयर मास एंड जेट स्ट्रीम, इसी को हम कहते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। ब्रैकेट में लिखिएगा वायु सहती, सहती समझते हैं ना, संहिता अलग है, सहती अलग है। शुद्ध हिंदी में मास को, मांस नहीं ना, मास यानी कि द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, सहती कहा जाता है, सहती। तो वायु सहती, एयर मास एंड जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं, ब्रैकेट में इसी में लिखना ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक। आइए समझते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको जेट स्ट्रीम समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली क्या होती है, और उसके पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सल ग्लोबल विंड सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं हूं, अभी मैं कुछ दूसरा टॉपिक करा रहा हूं, जिसको समझेंगे तब आपको जेट स्ट्रीम समझ आएगा। तो हम कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, लिखने के बाद इसको डिब्बे में आप लोग बंद कर देना, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं, ये लगभग है अपना 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और ये अपना 90 डिग्री साउथ। ठीक, चलिए ये बनाओ, तो इतना बनाओ एटलीस्ट, इतना ही बनाना जितना बनाए हुए हैं। हाँ भाई, मतलब कंजूसी नहीं करना, पेज का हाफ बनाना ना थोड़ा सा, ठीक है। छोटा सा बनाया होगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही रहने दो, मत काटना, उसको छोड़ दो किसी और गोले के लिए, ठीक है। अभी जो हम बनाएंगे वो हाफ पेज होना चाहिए, फुल पेज बनाएंगे तो और अच्छा बात है, ओके। आइए 0 डिग्री, 30 30 30, 60 60 एंड आपका 90 90। अब एक चीज समझिए, यहां पर ना कुछ पवनों का मोमेंट होगा और ये यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे विश्व में चलने वाली पवने हैं और ऑल टाइम चलने वाली पवने हैं। आप लोगों को एक इफेक्ट पढ़ना होगा, एक प्रभाव जिसको हम जानते हैं कोरियोलिस, क्या बोलते हैं हम इसको, कोरियोलिस। अब ये जो कोरियोलिस है ना, बहुत सारे प्रभावों का मिक्सचर है, या यूं कहें कॉम्बिनेशन है ये। इसका मानना है भाई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवनों का मोमेंट होगा या जो भी जलधाराएं जाएंगी, वो हमेशा अपने राइट साइड में शिफ्ट होंगी, किधर, ऑलवेज। कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, इधर से उधर हो जाए, उत्तर में है मतलब हमेशा राइट, मतलब आपका उत्तर हमेशा कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तभी तो नंबर मिलेगा ना, ठीक है।
तो उत्तर में हमेशा राइट कहने का तात्पर्य यह है, यानी कवि यह कहना चाहता है कि भाई ये सीधा जाने के बजाय ये किधर चलेगा, ये राइट साइड में, ठीक है क्या? ये सीधा जाना चाहता था लेकिन किधर शिफ्ट हो रहा है, ये राइट में, ओके। सिमिलरली ये दक्षिण में अगर आना चाहती तो किधर शिफ्ट होती, अपने लेफ्ट साइड में। ये क्यों होता अभी दिखाएंगे ना, ये किधर हो रहा है, ये राइट, ये किधर हो रहा है, लेफ्ट। कौन सा गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध है, ये सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। अब बोले सर आपने सिर्फ जाने वाला बताया, आने वाला बताओ तब तो माने। बोले ठीक है वो भी बताते हैं, पहले इतना बना लो आप, जो तिरछी लाइन है सांप टाइप से वो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जा रही है, जा किधर रही है, अपने राइट साइड। ये किधर जा रही है, अपने लेफ्ट साइड। बोले सर राइट तो समझ आ गया, देखो कुछ नहीं करना, फिर से आप अपने आप को इमेजिन कर लो, अभी आपका डायरेक्शन इधर है, इस ओर है, अब मैं सीधा जाना चाहता हूं, मैं किधर मुड़ा हूं, देखो सभी इधर देखेंगे, मैं किधर मुड़ रहा हूं, अपने राइट साइड, हुआ समझ आ गया। अब हम देखते हैं, अब मेरा डायरेक्शन इधर हो गया, आप लोग की तरफ, मैं सीधा आना चाह रहा हूं। अब कहता है कि भाई अगर मैं नॉर्थ में हूं तो किधर मुड़ूंगा, राइट या लेफ्ट, अभी नॉर्थ की बात कर रहे हैं, राइट या लेफ्ट, राइट होगा, तो बताओ मैं इधर चलूं कि इधर चलूं, राइट हैंड मेरा कौन सा हुआ, ये हुआ। तो अब मैं ऐसे आने की बजाय अब मैं इधर आना शुरू करूंगा, मतलब मैं आ रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। अरे सिंपल है ना भाई, मैं खड़ा हूं ये देखो, अब मैं इधर आ रहा हूं ना, ये मेरा राइट है ना, इसका मतलब पहला वाला ही हुआ ना जी। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो जब मैं इस प्रकार से आ रहा हूं तो नीचे का मेरा डायरेक्शन कैसे होगा, फिर नीचे वाला ये ऐसा होगा क्योंकि यही तो लेफ्ट है ना। अब देखिए अगेन मैं नीचे में हूं, अब मुझे किधर शिफ्ट होना है, अपने लेफ्ट में, तो मैं किधर चला, ये लेफ्ट में, मतलब ये हो रहा है यहां पर अगेन ये राइट और ये आपका लेफ्ट। ये कौन सा गोलार्ध, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका, ये दोनों चीज बना लीजिए, थैंक यू सो मच, रोज भूल जाता हूं मैं, इसमें कुछ आवश्यक चीज होता है ना, बना लिया सबने। चलो ऐसा क्यों होता है इसको देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट, तो लिखना ये कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये भी महाशिवरात्रि मना रहे क्या? हाँ आया, ये कितने लोगों ने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया ये? अच्छा कौन है जो नहीं किया है, कोई तो होगा जो इस क्लास में जिसने नहीं किया होगा, आज उसको करवाएंगे, ठीक है, पक्का सबने किया है, पता चल जाएगा भी। अगर फॉर एग्जाम्पल तीन चार लोग को मैं नाम ले लेता हूं, चलेगा ना, नाम तो मेरे को पता ही नहीं कैसे चलेगा, ठीक है। हाँ जी क्या नाम है आपका, सॉरी कुणाल, कुणाल को हम रखते हैं यहां पर एकदम सेंटर में, पाइप पे पकड़ के पोल डांस, ठीक है ना, चले। हाँ जी आपका नाम क्या है जी, सॉरी यक्षेंद्र, यक्षेंद्र को रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम जी, पीताम्बर, पीताम्बर को रखते हैं हम लोग एकदम कॉर्नर, ठीक है ना, के वाई पी, ठीक है। चले तो तीन लोगों हमने यहाँ पर, किसी और को आना है क्या, एनीबॉडी वांट्स, ठीक है चले, सर ओवरलोड हो जा रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं, इनको जब ये घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है,
डायरेक्शन हम लेते हैं जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ही घूम रही है, ठीक है। नाउ हम कहते हैं कि यार ये जो बंदा बीच में जो एकदम सेंटर में है इसको कैसा रहेगा, स्पीड का अनुभव ज्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली कम होना है। इनको जो वाई में उनको थोड़ा सा ज्यादा, और जो लास्ट में आपको सबसे ज्यादा होगा। अब इधर समझना, ये 2D में है और ये 3D में है, क्या लगता है पृथ्वी ऐसी है या ऐसी है? पृथ्वी जो है ऐसा एकदम चपटा है रोटी जैसा, जैसे फुटबॉल जैसा, कैसा है? ऐसा है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो लोग यहां पे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, जो यहां पे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। मुंडी इधर रहता है ना, ये मुंडी है, ये पैर है, याद रखना, मजाक नहीं करो सीरियसली। ये सिर है और ये ब्लैक वाला क्या है, ये पैर। अरे ऐसे ही रहेंगे भाई, ये पैर ऐसे रहेगा ना यार, मुंडी ऐसे थोड़ी उल्टा लटेगा पैर है, ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। मैं खुद मतलब आधे घंटे तक कंफ्यूज था जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मैं ऐसे कैसे होता है भाई, और ये लोग ऐसे रहेंगे, सिंपल है। इस संभव नहीं ना कि तुम्हारा मुंडी ऐसा लटक रहा है कि पैर ऐसे हवा में हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो देखना है, जब समुद्र में आप देखते हो तो एक टाइम के बाद शिप जो है नजर नहीं आता, क्योंकि ये कर्वेचर शेप में, ठीक है। और सिमिलरली जब आप लोग देखते हैं, जब टावर नहीं आता तो कैसे करते हो, क्यों करते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कर्वेचर शेप, क्योंकि कर्व होने से उसकी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। अब यहां पर समझिएगा, वो 2D, वो आपका 3D था और ये आपका 2D था। तो यहां पर अगर मैं कहूं सेम कंडीशन, तो जो पीताम्बर जी है वो कहां पर है बताइए, इन तीनों में 1, 2 और 3 पॉइंट है, कहां पर होंगे वो? इक्वेटर पे होंगे, याद रखना है ना। कुणाल बताए ना, हाँ कुणाल जी कहां पर होंगे? पोल, ठीक है सॉरी है ना। ये जो है देखो सेंटर है, यानी कि त्रिज्या जिसको अपन बोलते हैं रेडियस, ऑलमोस्ट 0 है या बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल कम होगा। और सबसे बड़ा जो है रेडियस या डायमीटर ले लो कहां पर है, ध्रुवों पर है, सॉरी इक्वेटर्स पर है। रेडियस ना जी, सेंटर से आप कुछ ना करिए संतरा को काटो, मेरे पास है कि खत्म, चलो। तो जब आप काटोगे तो सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा वो सबसे बड़ा रेडियस मिलेगा। रेडियस जितना बड़ा, डायर जितना बड़ा उतना अधिक स्पीड, इतना क्लियर? ओके, अब आप एक चीज बताएं, अगर ये भाई साहब पता चल रहा है कि अर्जेंट कॉल आ गया घर से, जाना है इनको, हम फर्स्ट, ठीक है ना, तो अगर घर जा रहे हैं ये कूदेंगे जिधर मोमेंट हो रहा है, तो ये सीधा गिरेंगे या इधर? जिधर मोमेंट हो रहा है, याद रखना, जिधर घूम रहा है ना उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, वो डाउन होंगे। यहां पर फिर न्यूटन का नियम काम करेगा, कौन सा? इनर्शिया वाला, जड़त्व वाला। भैया उधर घूम रहा है इसलिए उसी डायरेक्शन में, मतलब इनकी स्पीड कम हो रही है नीचे जाने के बाद, तो हाई स्पीड से किधर जा रही है, लो स्पीड की तरफ जा रहे हैं। बस वही, इतना समझ आ गया ना। सेम यहां पर भी होगा आपका, जस्ट इसको इमेजिन करते हैं। जस्ट वेट, ठीक है। अब जस्ट आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक अर्थ है, सेम यही अर्थ है, और इसको हमने क्या कर रखा है, कोई भी दो कंडीशंस हमने ले ली है, इसमें कोरियोलिस इफेक्ट हम लोग यहां पे देखने वाले। तो ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना, हमने पृथ्वी को ऐसा रखा है, मतलब ये जो प्लस है, सॉरी ये जो प्लस है ये क्या चीज है तुम्हारा, पोल है, याद रखना। और ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या है तुम्हारा, इक्वेटर है। मतलब इसको हमने 2D को हमने यहां पर 3D में बना रखा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और हमने दो कोई कंट्रीज का एग्जाम्पल ले रखा है, कौन कौन सा, मान लेते हैं कि जो इक्वेटर पर कोई देश है जिसका नाम है ब्राजील नाम है, और आपका पोल्स के आसपास कोई है उसको हम लोग डेनमार्क कर रहे हैं, या कोई भी आप नेशन कंसिडर कर लीजिए। तो एक देश हमने ले रखा है जिसका नाम है, जो यहां पर आपको दिख रहा है सेंटर पे, पोल के पास, ध्रुवों के बिल्कुल पास है, और एक जो देश आपको मिलेगा यहां पर ब्राजील पे। तो सिंपल सी बात है, ब्राजील पे जो है आपका मोमेंट, यानी कि एयर का मूवमेंट बोलो या जलधाराओं का बोलो या पृथ्वी का बोलो, फास्ट रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो मूवमेंट क्या होगा उनका, थोड़ा सा कम होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। मतलब ये पीताम्बर वाला रेंज है और ऊपर वाला जो कुणाल वाला रेंज है, राइट। नाउ अब कोई भी जलधारा या कोई भी ओशन करेंट या कोई भी विंड ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहां पर स्पीड हाई है, ऊपर की स्पीड क्या है, लो है, तो जिस दिशा में गति कर रही है उसी साइड जाएगा ना। अभी तो थोड़ी देर पहले वही कह रहा था ना, वो राइट और लेफ्ट क्यों हो रहा है वो हम बाद में आएंगे, वो तो कंक्लूजन था जो मैंने लिखाया था, मैं क्यों हो रहा है वो आपको बताना चाह रहा हूं। सो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने कहा कि सर जिधर मूवमेंट हो रहा है उसी के डायरेक्शन में जाके क्या होगा, वो एंड होगा। मान लेते हैं अगर इसको इधर करा लूंगा तो ये इधर जाती, सिंपल है। अगर अर्थ का रोटेशन ऐसे हो रहा होता, अभी किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, अगर इस साइड हो रहा होता तो ये किधर जाता, ये
इस साइड में जाता, इसका मतलब क्या होगा सर, ये किधर शिफ्ट हो रहा है, अपने राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। सेम क्या लेफ्ट के लिए रहेगा क्या, मतलब जब नीचे की अगर हम बात करते हैं, ये आपका ऊपर। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं सर, आपने जाने वाला बता दिया, आने वाला भी बताए, तो सेम जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन से क्या होगा, अगर इसको लो स्पीड से हाई स्पीड को अगर कवर करना है तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ेगा, तभी तो उसको जाके क्या करेगा वो मैच करेगा। जैसे ट्रेन में भी आप चढ़ते हैं तो जिस दिशा में दौड़ रहे थे उसी दिशा में पहले आप दौड़ते हैं। तो सेम चीज जो हमने कंक्लूजन लिखा था कि ऊपर जाएगा तो आपका राइट और इधर अगर आएगा तो लेफ्ट, यही बनाया था आपने, एक बार डायग्राम चेक कर ले, ऐसे ही बना था। ये किसका लिए हुआ था, जब भूमध्य रेखा से वो दूर जा रही है, अगर भूमध्य रेखा की तरफ आएगी इसका मतलब जब पास आएगी तो कैसे रहेगा उसका डायरेक्शन, आपका सेम रहेगा, मतलब उत्तर दिशा के लिए राइट और दक्षिण दिशा के लिए आपका लेफ्ट, या उत्तरी गोलार्ध के लिए राइट और दक्षिण गोलार्ध के लिए आपका लेफ्ट। अब हम सेम एक और कंसेप्ट यूज करते हैं लो प्रेशर वाला, कभी भी जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मैंने माना कि उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर थी, एट एनी पॉइंट, मान लो गुजरात मान लो, बंगाल मान लो, जो भी मान लो, अब यहां पर कोई भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, ये इक्वेटर से हम क्या देख रहे हैं, कोई सा भी एरिया किधर का देख रहे हैं जी, हम लोग इंडिया का देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो भी पवन यहां से चलेंगी उनका डायरेक्शन कैसे रहेगा, राइट होगा, ऊपर से आ रही उनका भी कैसे रहेगा, राइट ही रहेगा उनके लिए। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर आप देखें ये लो प्रेशर एरिया है, इन पवनों का मूवमेंट ऐसा है और ऊपर आने वाले पवनों का मूवमेंट इस प्रकार का है, या विंड का मूवमेंट इस प्रकार का है। तो जब डायरेक्शन, जैसे आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, एक इधर आता है और एक इधर आता है, ऐसे मोड़ते हो ना, कि ऐसे मोड़ते हो या ऐसे मोड़ते हो, गाड़ी को जब आपको मोड़ना रहता है स्टीयरिंग को, तो एक को जब ऐसे मोड़ते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऐसा चलता है कि नहीं सर मैं तो प्रो हूं, सर मैं तो एकदम ऐसे करता हूं या ऐसे, नहीं ना, ये इस प्रकार का एक साइकिल बनेगा। और जब ये ऐसा साइकिल बन रहा है तो कैसे, घड़ी की सुई की दिशा में है या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, इसीलिए नॉर्थ में आने वाले साइक्लोन्स कैसे मिलेंगे आपको, एंटी क्लॉकवाइज होते, याद रखना, मतलब नॉर्थ में कहीं पर भी साइक्लोन आ जाए, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी, उसके डायरेक्शन कैसा होने वाला है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, क्यों होगा बताया मैंने, सेम रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये अपन साउथ में आ जाते हैं, तो साउथ में मैंने बताया कि भाई साउथ को एक बार फिर से डायग्राम देखो आप लोग, सदन में जो आपने बनाया है, अगर वो इक्वेटर की तरफ से जा रही है, जा रही बोल रहा हूं, तो आपने देखो लेफ्ट में बनाया होगा, ये लेफ्ट आ रहा है, इधर देखो ये जब आएगा, इधर से जब आएगा तो इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, इसके लिए लेफ्ट रहेगा, जब ये जाएगा तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे रहेगा, अगेन लेफ्ट ही रहेगा। अब ये इस प्रकार का मूवमेंट देगा, अभी ऐसे दे रहा था, अब ये ऐसा मूवमेंट दे रहा है, मतलब इधर जाना चाह रहे इधर जाना चाह रहे, मतलब इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, क्लॉक वाइज। और यही रीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले सभी साइक्लोन्स का डायरेक्शन कैसे होता है, क्लॉक वाइज होता है। और यही रीजंस को जब आएंगे आपके क्वेश्चंस तथ्यात्मक तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो जो चीज आपने बनाया था उसका आपने क्या देखा यहां पर, एक्सप्लेनेशन, तो लिख लो उसको। जो दो पॉइंट बनाए थे छोटे छोटे गोले वहीं पर लिखना है, अभी बड़ा वाले पे वापस आएंगे, बड़े वाले मतलब इस पे अभी वापस आने वाले, अभी इस पे आए नहीं है, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है ना, कोरियोलिस की बात हो रही है। लिखना इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वो राइट लेफ्ट वाला लिखा है कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड, दक्षिणी में लेफ्ट, ऐसा लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, लिख लो उसको। उत्तरी गोलार्ध में पवनों और जल धाराओं की दिशा अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में, पॉइंट वाइज लिखा करो ना, एकदम सेंटेंस वाइज नहीं, उत्तरी गोलार्ध देश देके अपने राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इस नियम के अनुसार पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तीन बार तो बोला जी, हाँ पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर हिंदी में लिख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डायरेक्शन ऑफ विंड और स्ट्रीम्स आर शिफ्टेड टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। इस नियम के अनुसार पवनों या जलधाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ या दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है। शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट टुवर्ड्स, सॉरी इन लेफ्ट इन
सदर्न हेमिस्फेयर, हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, यही कारण है, नीचे से लिखना, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में आने वाले तूफान हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में आने वाले तूफानों की दिशा हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। दिस इज द रीजन दैट द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। चार कंक्लूजन निकले, याद रखना, इन्हीं चारों को अंडरलाइन करते हुए चलना है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में आने वाले तूफानों की दिशा हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में। दिस इज द रीजन दैट द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। चार कंक्लूजन क्या? पहला कंक्लूजन, पवनों की दिशा विक्षेपित होगी, टिल्टेड होगी, शिफ्टेड होगी उत्तरी गोलार्ध में, किधर? राइट साइड, अंडरलाइन कर लिया उसको। दक्षिणी गोलार्ध में किधर शिफ्टेड होगी? लेफ्ट साइड, उसको अंडरलाइन कर लिया। दक्षिणी गोलार्ध बाएं दिशा, लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर तीसरा कंक्लूजन, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, उसको अंडरलाइन। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्लॉकवाइज। बस यही चार कंक्लूजन है जिसको याद रखना है, हो गया। क्योंकि इन कंक्लूजन को आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना पढ़ रहे हो ना तभी नहीं पूछेगा कोरियोलिस क्या है, किधर कौन राइट हो रहा है, कौन लेफ्ट हो रहा है। जैसे अभी दो क्वेश्चन देखे, वो किस पर आधारित थे? उनके कारकों पर, यानी कि फैक्टर्स पर। फैक्टर्स आपने पढ़ा तो वो दो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गए। आप सोचेंगे कि सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए मैं कहीं से कुछ आंसर पढ़ के जाऊं या रटने जाऊं, तो फिर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो फैक्ट से याद रखने, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो उन चारों फैक्ट से, तो यहीं से आपके कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे। यूनिवर्सल सिस्टम्स पे आते हैं। अब एक चीज तो तय हो गया है जी, जीरो डिग्री मतलब इक्वेटर, यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, तो क्या मैं इसको एचपी लिख दूं, सॉरी एलपी लिख दूं? एनी प्रॉब्लम? एलपी का मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, क्या है ये? लो प्रेशर। फिर इसकी तुलना में यहां का प्रेशर कैसा होगा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, हाई प्रेशर। जब 30 डिग्री नॉर्थ हाई है तो 30 डिग्री साउथ, ये भी आया होगा ना, इसने क्या पाप किया, ये भी सेम होगा। ओके, 90 डिग्री पे कैसा रहता है? लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो प्रेशर कैसा होगा, बहुत उच्च होगा, वेरी वेरी मच, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एचपी। सेम यहां पर भी क्या होगा, एचपी होगा। अब बताएं, अगर ऊपर हाई प्रेशर है किसके कारण, निम्न दाब की, सॉरी निम्न तापमान के कारण, तो 60 डिग्री पे तापमान उसकी तुलना में कैसा रहेगा, तापमान की बात हो रही है, थोड़ा हाई होगा, तो प्रेशर कैसे रहेगा। अभी आपने इन दोनों की तुलना करी, अब आप ऊपर वाले दोनों की तुलना करें, ठीक है ना, तो उसकी तुलना में यहां पे प्रेशर कैसा है और यहां पर भी, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब आपने दो कंपेरेटिव पॉइंट्स को आपने क्या किया, तुलना किया यहां पर, ठीक है, क्या समझ आ रहा है? जीरो से तुलना 30 का, फिर 30 का, फिर 60 से 90, और इधर 60 से 90। इतना क्लियर सभी का? चलिए अब ये तो तय है कि पवनों का मोमेंट कहां से कहां होना है, हमेशा हाई टू लो होना है। और ये भी तय है कि आपको पता है कि आप उत्तर में बना रहे हो तो किधर जाएगी, और दक्षिण में बना रहे हो तो किधर जाएगी, ठीक। चलिए तो बताएं जी, जीरो से 30 ले जाऊं कि 30 से जीरो ले जाऊं? जीरो से 30, हाई टू लो ले जाना है ना आपको, तो 30 से जीरो आएगा ना पहले, 30 टू 60 जाएगा वो तो ठीक है, उसको ले जाएंगे बाद में ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल 30 से जीरो आ रहा है ना, ठीक है। ओके, तो नॉर्थ से मैं लेना चाह रहा हूं तो कैसे वाला बनाऊं, अपने राइट साइड आ जाएगा ये, इसका मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एनी प्रॉब्लम?
और ये वाला ऐसा। लेकिन इनकी दिशा कैसी होगी, ये इधर आ रहे हैं यही होगा। कंपेयर कर लो आपने जो दो डोकोले बनाए बाद में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 30 to 60। इतना बना लिया सबने, 30 to 60 जाएगा कि 60 to 30 जाएगा? अगेन हाई टू लो जाना है, 30 to 60 कैसे ले जाऊंगा मैं? 30 to 60 अगर ले जाना है मुझे तो ऐसे ले जाऊं, एनी प्रॉब्लम? और इसको अपने लेफ्ट साइड हमेशा इधर, जिधर से आ रहे हैं ना आप उधर मुंडी कर लो। ऐसे चल रहे हैं हम लोग, तो किधर खिसक रहे हैं अपन? लेफ्ट। इधर हैं, किधर जा रहे हैं अपन? राइट। बस घूमर घूमर करते रहे हैं। वहां से भी लाएंगे, ऊपर से भी लाएंगे, हाँ ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं फिर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। मैं समझ रहा हूँ वो जो कंसेप्ट जो आपका कंफ्यूजन आ रहा है, मैं बताऊंगा दो मिनट, पहले बना लेते हैं। ऊपर 90 से 60 कैसे आएगा? जैसे ये आया वैसे ही रहेगा सेम? यहां पर भी आपका सेम। चलिए इसको समझते हैं, ये वाला पॉइंट को। व्यापम वगैरह में आप लोग पढ़ा होगा हॉर्स लैटिट्यूड, पढ़ा है? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, ये वाले को, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड यहां पर क्या होता है समझिएगा, दोनों गोलार्धों पे नॉर्थ में और साउथ पे 30 डिग्री के आसपास का जो रीजन होता है, यहां पर पवनों का मोमेंट ऐसा देखने को मिलता है। आप देखिए ना साइक्लोन्स बनेगा यहां पर, इधर कैसे बनेगा? ये वाले रीजन में एंटी क्लॉकवाइज, और इधर कैसे बनेगा आपका? क्लॉकवाइज बनेगा। तो यह स्टडी करने के बाद यह पता चला कि कुछ पवने जो होती है उनका डायरेक्शन किधर चला जाता है, ये ऊपर की ओर भागती है, और कुछ पवने किधर आती है, नीचे की ओर जाती है। एक ही जगह से यार याद रखना, ये 30 डिग्री वाली लाइन है, और इस 30 से कुछ पवने किधर चलेंगी? अपने राइट में, और कुछ पवने अपने अगेन राइट में चलेंगे, लेकिन नीचे आएंगी, और कुछ पवने किधर जाएंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है, ये तभी संभव है जब वहां पे कोई साइक्लोन क्रिएट होगा, क्योंकि साइक्लोन जब होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में बात करता हूं, सुदर्शन चक्र देखा है? चक्री तो देखा होगा ना चक्री, तो जब चक्री चलाते हैं तो वहां से जब निकलता है तो आप देखिएगा ये डायरेक्शन, एक इधर भाग रहा होता है और एक इधर भाग रहा होता है, ऐसे ही होता है। आप पूरा बना लेना, ये आप ऐसे बनाएंगे, ऐसा ऐसा इस प्रकार से आपका बनेगा। तो हम सिर्फ नॉर्थ और साउथ वाले को क्या करें यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ पवनों का मूवमेंट साइक्लोन बन रहा है, और साइक्लोन ये चीज को नहीं नकार सकता कि एक ही डायरेक्शन से पवन आएंगी। पवनों का जो मूवमेंट होगा वो दोनों डायरेक्शन, दोनों के चारों डायरेक्शन से होगा। तो यहां पर जो उत्तर की ओर जाएंगे वो किधर खिसकेंगे? अपने अगेन राइट साइड, और इधर वाले लोग भी अपने राइट साइड। लेकिन अब जो है एक आने वाला हो रहा है और एक क्या हो रहा है तुम्हारा जाने वाला हो रहा है, और जाएगा किधर? जहां पर प्रेशर लो है। तो लो प्रेशर जो एरिया है वो दो जगह पर क्रिएट हो रहा है, एक तो यहां पर भी हो रहा है और एक वहां पर भी हो रहा है। ये वाला जो क्षेत्र रहता है उसकी तुलना में कैसा रहेगा? हाई रहता है, इसीलिए वहां से पवने शिफ्ट होना शुरू करती हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जल धाराएं, आपने सुना होगा ओशन करेंट्स, तो जो ओशन करेंट्स चलती हैं वो वहां पे वेरिएशंस पैदा करती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। जैसे उदाहरण के तौर पर नॉर्वे सुना है आप सबने, और आपने वो भी सुना होगा ताशकंद भी सुना होगा। ठंड के दिनों में ताशकंद और नॉर्वे में, या चलो ठंड के दिनों छोड़िए, एवरेज टेम्परेचर की जब मैं वहां पर बात करता हूं तो कौन ज्यादा ठंडा है, नॉर्वे या ताशकंद? नहीं, नॉर्वे का जो कोस्टल रीजन है वो ज्यादा ठंडा नहीं होता। कारण, क्योंकि वहां पे चलती है गर्म जल धारा जो क्षेत्र को क्या कर देता है, नॉर्मल रखता है। जबकि ताशकंद में ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा क्या है, पूरा पठार है, चट्टान है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या रहता है, वो ठंडा रहता है। समझ आ रहा है? तो सेम रीजन है। अब भाई यहां पर वेरिएशन वैसा पैदा हो रहा है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरा ये है कि यहां पे आपके जितने भी साइक्लोन्स आपके आएंगे या जो भी साइक्लोन्स आपके बनेंगे, जैसे मैं इंडिया के लोकेशंस की मैं बात करता हूं, तो मेरा 30 डिग्री से ऊपर है कि नीचे इंडिया का लोकेशन? एग्जैक्ट लोकेशन तो नीचे ही है,
क्योंकि गुजरात वगैरह वाला जो रीजन है, या यूं कहें हम लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा राजस्थान, क्योंकि इंडिया 37 तक जाता है, ठीक है, और ये जो लोकेशन से आपका नीचे आ रहा है, मतलब इस रीजन में बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं आपको, वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे, अरब सागर वाला मिलेगा एंड ऑल मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आपको एक रीजन आपको देखने को मिलता है जो कि मेडिटेरेनियन वाला है, यानी कि भूमध्य सागर है जो कि बहुत छोटा है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कॉर्नर में जो आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग जानते हैं अटलांटिक ओशन, अंध महासागर। तो कुछ पोर्शंस ऐसे मिलेंगे आपको नॉर्दर्न बॉडीज में जहां पे साइक्लोन्स क्रिएट होते रहते हैं, और साइक्लोन क्रिएट होगा मतलब इस प्रकार का मूवमेंट बनेगा नॉर्थ एंड साउथ, और तब कुछ पवन ऊपर की ओर और कुछ पवन नीचे की ओर जाएंगे, और ऊपर की ओर गया मतलब अगेन अपने राइट साइड, नीचे की ओर आया मतलब अगेन अपना राइट साइड। सेम घटना आपको कहां पर देखने को मिलता है, साउथ में देखने को मिलता है। साउथ में अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, वो उसी 30 वाले रेंज में पड़ता है, क्योंकि वहां से भी कौन सी रेखा गुजरती है, मकर, ठीक है ना, मतलब 23 से थोड़ा सा नीचे आओ 30, तो वहां पर भी बहुत बड़ा एक लैंड बॉडी है। अगेन आप इधर आ जाओ, चिली वाला जो रीजन है आपका, अर्जेंटीना वाला जो रीजन है, अगेन आपका ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, ब्राजील वाला जो रीजन है, ये सब किसमें आते हैं तुम्हारे, ये 30 डिग्रीज वाले में आते हैं, मतलब यहां पर भी आपको साइक्लोन्स इस रीजन में देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि जहां जहां पे हाई प्रेशर है वहां वहां से पवने चलेंगी, और जहां जहां पर लो प्रेशर है उधर वो पवने क्या करेंगी, आना शुरू करेंगी। तो लो सॉरी हाई टू लो क्या होंगी, पवनों का मूवमेंट होगा, ठीक है। उत्तर गई तो अपने राइट साइड, दक्षिण गई तो अपने लेफ्ट साइड, नीचे लिखेंगे इसके। अच्छा, इन पवनों के कुछ नाम भी हैं, ठीक है, तो वो नाम लिखते चलिएगा। हाँ, सबसे पहले जो सेंटर में चलती हैं कुछ पवने, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल रही, कुछ ऐसे भी पवने जो ऐसे समानांतर यहां पर पैरेलल चलते रहती है, बिल्कुल 0 डिग्री टू आपका 5 डिग्री, तो इन 0 to 5 डिग्री के बीच जो चलती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डोलड्रम्स, 0 to 5 नॉर्थ और 0 to 5 साउथ, लिख लीजिएगा डोलड्रम, 0 से 5, क्या नाम बताया, डोलड्रम। ओके, इनकी कुछ खासियत है, मैं बाद में लिखा दूंगा सबके बारे में। फिर ये जो पवने हैं इन दोनों को क्या बोलते हैं, यही ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवने, कहां से कहां, 30 से 0 की तरफ या इक्वेटर की तरफ, व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स। उसके बाद है 30 to 60 वेस्टर्ली पछुआ पवने, वेस्टर्ली पछुआ पवने 90 to 60 ईस्टर्ली या पोलर स्ट्रीम्स, ध्रुवी पवने या पूर्वा पवने, पोलर स्ट्रीम्स या ईस्टर्ली या ध्रुवीय पवने, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना जेट स्ट्रीम्स, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कौन किस पवनों के अधीन है, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहां पे। हो गया सभी का, ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आपने डोलड्रम्स लिखा है इसी को ही कहा जाता है ITCZ, इसी रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्रश्न भले आपका पूछा जा सकता है 2 नंबर का, इसको लिख लो ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, नीचे नहीं लिखना ना, डोलड्रम शांत पवने या ITCZ, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हिंदी में फुल फॉर्म लिखेंगे, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, लिखिएगा इसके अंतर्गत। भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र,
ITCZ कहलाता है, द एरिया नियर इक्वेटर इज नोन एज ITCZ, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र ITCZ कहलाता है। द एरिया नियर इक्वेटर इज नोन एज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। लेकिन सामान्यता यह उच्च तापमान और निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, सामान्यतः यह उच्च तापमान और निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। जनरली इट इज अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एरिया रीजन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एरिया रीजन। अगला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में किधर खिसक जाता है ये? उत्तर। किसका ग्रीष्म ऋतु? हमारा। हाँ, मतलब देखिए सीजन जो है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहां गर्मी था तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा था? ठंडी था, और हमारे यहां ठंडी तो वहां पे, इसलिए वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है ना क्योंकि ज्यादा गर्मी थी उनमें, ठीक। चलिए लिखेंगे, लास्ट टाइम क्या लिखा था? सामान्यता ये गर्म क्षेत्र और निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है ना, मतलब गर्म होता है और निम्न दाब का प्रेशर। ठीक ना, ग्रीष्म ऋतु में, अब ग्रीष्म मतलब हमारे यहां का ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में यह कर्क रेखा की तरफ और शीत ऋतु में यह मकर रेखा की तरफ खिसक जाता है। इट शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर सीजन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में यह कर्क रेखा की तरफ और शीत ऋतु में मकर रेखा की तरफ खिसक जाता है। शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर सीजन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर सीजन, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें नेक्स्ट। ओके, अब एक और चीज जो समझना है यहां पर, ITCZ कर्क रेखा की तरफ खिसक रहा है, तो अभी एक कारण हम लोग पढ़ेंगे कि भाई यहां पर जो बारिश वगैरह जो होता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उत्तरदायी हो जाता है। क्यों उत्तरदायी होता है? क्योंकि क्षेत्र जो हो रहा है वो लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कभी भी जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो पवनों को अपनी ओर क्या करता है, हमेशा आकर्षित करेगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा है, ठीक है। और ये शिफ्टिंग के कारण ही पवनों की दिशा भी क्या होती रहती है, तुम्हारी चेंज होती रहती है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ जो विंड्स होते हैं उसी को फिर किस नाम से जाना जाता है? मॉनसून कहा जाता है, यानी कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग है जेट स्ट्रीम। अभी बी में है ना, पॉइंट बी में है अपन, तो पॉइंट बी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जेट स्ट्रीम, अभी तक आपने क्या देख रखा था? इसके कुछ फैक्चुअल चीजें और साथ ही साथ इसके कुछ कंसेप्चुअल चीजें आपने देख रखी थी। जेट स्ट्रीम एक्चुअल जो पॉइंट था वो हमारा बचा हुआ था। आइए लिखेंगे जेट स्ट्रीम। फिर इसी में लिखेंगे कैसे ये मानसून की उत्पत्ति में सहायक होगा, क्या इसका रोल होने वाला है, ठीक है। इसको भी हम समर और विंटर दो रूप में पढ़ेंगे। मैंने बताया ना, जैसे पहले वाले को पढ़ा था, इसका पहला पॉइंट समर और विंटर के रूप में, इसको भी समर और विंटर के रूप में पढ़ेंगे। पहले समझिए कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, कितने हाइट पे चलती है ये, कितने एल्टीट्यूड पे चलती है ये, सॉरी 8 to 9 किलोमीटर, काफी हाइटेड होती है, याद रखना। ये आपने हेडिंग ही डाल रखा है, ऊपरी वायु परिसंचरण लिखा है ना, अपर एयर सर्कुलेशन, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो पहले लिखेंगे हाइट, ये अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पवने हैं, लगभग 8 से 12 किलोमीटर, अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पवने हैं। द विंड फ्लो या ब्लो एट हायर एल्टीट्यूड, द विंड ब्लो एट हायर एल्टीट्यूड अबाउट 8 to 12 किलोमीटर्स। स्पीड कितनी रहती है, गति? हाँ जी, 120 तो मिनिमम है, 400 तक चली जाती है कभी कभी, मतलब समझ रहे हो आप, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग बाइक स्कूटी कितने में दौड़ाते हैं? 60, 70, 80, 100, 120,
140 कार, 160-170 इतना ना, उससे ज्यादा 160 के लायक तो रोड है ही नहीं यहाँ पे। कभी कभी जब बिलासपुर जाना होता है तो कार कभी रास्ते में मिल जाता है तभी दौड़ा लो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है अरे फिर कोई अचानक से, आप इंडिया में जा नहीं रहे ना। हाँ, और खतरनाक रहते जाने के बाद ऐसे करके देखेंगे, अरे मतलब सेलिब्रिटी वाले भी नहीं है, ऐसा लगता साले हुसैन बोल्ट बन गए तुम, है ना। ऐसे ऐसे लोग रहते, कुछ लोग तो साइड ही नहीं देते, खतरनाक। ठीक है, कोई ना। स्पीड होती है लगभग 120 kmph टू 400 kmph। जस्ट स्ट्रीम के बारे में ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब बड़ा क्वेश्चन एकदम आएगा तभी लिखना है, जबरदस्ती इसको नहीं घुसाते रहना, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेचर, प्रकृति कैसी है इसकी, कैसे बहती है ये, सर्पिलाकार स्पाइरल, याद रखना ये सीधा नहीं चलता, ये ऐसे चलती है। सर्पिलाकार स्पाइरल, ठीक है। कौन से गोलार्ध में, उत्तर दक्षिण दोनों में लिखेंगे, इन बोथ हेमिस्फीयर दोनों गोलार्ध में, कौन सी दिशा में, ज्यादा वेस्ट है, सभी नहीं है, ये क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, उसमें पूछा था सभी पश्चिमी सभी जेट पवने पश्चिमी दिशा में, सभी नहीं है भाई, मोस्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम आर वेस्टर्लीज, बट कुछ कैसी हैं, ईस्टर वाली भी हैं, तो वही तो बनेगी मानसून की उत्पत्ति के कारण, है ना। लेकिन अधिकांश जेट पवने पश्चिम से पूर्व है, या अधिकांश जेट पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व है, लेकिन कुछ पवने पूर्व से पश्चिम भी, अधिकांश जेट पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व है, लेकिन कुछ जेट पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम है। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट साइड रीडिंग डालिएगा। पश्चिमी जेट अपवाह, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट अपवाह, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, हो गया सबका। ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप हो जाएगा ना, इसमें होना चाहिए। ये कौन सा सागर है जी, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, भूमध्य सागर, ठीक है ना। कौन सा, ये मेडिटेरेनियन है। ये कौन सा है, अच्छा चलो तो आप लोग इसको बताना, अपनी कॉपीज में लिखना कौन कौन सा सागर है, ठीक है। मैं नंबर बस लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो तो लिखो जरा, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स, पीछे साइड लिखो, बैक साइड देखना चाहता हूं। अच्छा चलो चीटिंग करके लिख लो, लेट्स सी, चीटिंग करके लिख लो, देखना चाहता हूं चीटिंग करके आप सही कर पाते कि नहीं, कर लो जिसको जो सोर्स निकालना है, मोबाइल लैपटॉप फोन ऑफ फ्रेंड जो करना है कर लो, 2 मिनट ना, देखते चीटिंग करके भी सही होता है कि नहीं। यस, 1 क्या है, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, सेकंड क्या है, लाल सागर रेड सी, थर्ड क्या है, कैस्पियन, ठीक है, फोर क्या है, काला सागर, ओके, फाइव क्या है, पर्शियन फारस की खाड़ी, सिक्स एडन की खाड़ी, ठीक है। चले तो पता होना चाहिए ना सारी चीजें। अब यहां से कुछ स्ट्रीम चल रही है, अपन वेस्टर्लीस मतलब पछुआ पवनों के अधीन आने वाली किसकी बात कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पछुआ पवनों के अधीन होती है, अधीन यानी कि उन्हीं के साथ साथ आती हैं, जैसे कई लोग रहते हैं ना
भाई उधर जा रहे क्या, चलना ले लेना लिफ्ट ले ले ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे उनके साथ ये लिफ्ट लेके आती है कौन, जेट स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा ये पछुआ पवनों के साथ आ रही, मतलब डायरेक्शन किधर होगा इनका, इस साइड होगा, ठीक है ना, अधीन होती क्या, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसी के साथ साथ चलेंगी, उसके प्रभाव में होती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस रहता है उनका। अब ये जब इंडिया में आ रही है तो यार यहां पर कोई बड़े बड़े माउंटेन मिलते हैं क्या बीच में इनको, बीच में यहां पे ईरान इराक यहां पे नहीं, बड़े माउंटेन्स की बात हो रही, हाइट खुद इनका 8 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, ज्यादा लोअर एल्टीट्यूड पे तो चलेंगे नहीं, तो सीधे बड़े माउंटेन्स इसको फेस होते हैं हिमालय में आने के बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम सब नाप की 8 किलोमीटर है उसके नीचे नहीं हो सकती, वो हल्का फुल्का उतना रेंज चलता है, मतलब 6 to 7 तक भी इन लोग मूव करते हैं। तो जैसे यहां पर आता है तो बीच में यहां पर पड़ता है हिमालय एंड तिब्बत का पठार, यहां से फिर ये डाइवर्ट होती है दो डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे आप दौड़ रहे अचानक सामने कुछ आ गया तो क्या होगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाओगे, तो टॉम एंड जेरी जो देखते थे ना पहले ऐसे दौड़ते रहते थे ऐसे फ्लैट हो जाता था वैसे, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो नॉर्थ वाला किधर भागेगा, ये उत्तर एशिया में चलेगा, साउथ किधर आएगा आपका, इंडिया पे आएगा, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा था कि इसकी कौन सी शाखा भारत को प्रभावित करती है, दक्षिणी शाखा, है ना। देखो इसमें ये पवने पछुआ पवनों के अधीन या प्रभाव में होती है, सेडिंग डाला है ना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम डाला है ना, ये पवने पछुआ पवनों के प्रभाव में या अधीन होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में होती हैं या उनके अधीन होती हैं। द स्ट्रीम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्ली, लिखना, ये समस्त एशिया में प्रवाहित होती हैं, और ये समस्त एशिया में प्रवाहित होती हैं और तिब्बत उच्च भूमि से दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। दे फ्लो इन पैन एशिया एंड स्प्लिटेड या डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्प्लिटेड या डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फ्रॉम तिब्बत हाईलैंड या तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत पठार या तिब्बत उच्च भूमि से ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसकी दक्षिणी शाखा भारत में, जिसकी दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में विशेष भूमिका निभाती है। इट्स सदर्न स्ट्रीम क्रिएट एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया इन विंटर सीजन। इसकी दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में विशेष भूमिका निभाती है। इट्स सदर्न स्ट्रीम क्रिएट एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया इन विंटर सीजन, हो गया। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगला पॉइंट क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, इसी को ब्रैकेट में लिखना, मानसून की उत्पत्ति में सहायक, ठीक है, हेल्पफुल फॉर ओरिजिन ऑफ मानसून या सब्सिडरी फॉर ओरिजिन ऑफ मानसून। इसमें लिखिएगा ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, तिब्बत प्लेटू गेट हॉटर इन समर सीजन, तिब्बत प्लेटू गेट हॉटर इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, ये कितने लोग को समझ नहीं आया कि सर वो तो बर्फीला क्षेत्र है कैसे गर्म होगा, ठीक वैसे ही गर्म होता है जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे नहीं है। आप में से कोई गया लद्दाख, एनीबडी, आप गए, कब गए थे, सॉरी 6-7 साल लगभग, वहां पे आपने नोटिस किया होगा गर्मी के दिनों में स्पेशली जहां पे बर्फ कम है या नहीं रहता,
तो सन हिट मतलब सन का जो रेडिएशन एकदम ज्यादा पड़ता है, या तो बॉडी एकदम ब्लैक हो जाएगी या ऐसा लगेगा कि अजीबोगरीब चुभन होता है पड़ता है। कारण यह है कि वो बहुत ज्यादा हाइट पे है, जैसे ये बोला ना कार के फ्लैश लाइट है सामने एकदम हेडलाइट है, उतने दूर से तुम्हारे चेहरे पे लाइट पड़े तो एकदम सामने ऐसे टिका दियो तो सामने तुम बैठे तो एकदम ज्यादा आएगा ना, आया ना, ठीक है। तो सेम वहां पर भी होता है, हाँ कुछ इसलिए ओवरकम हो जाता है क्योंकि ज्यादा हाइट पे है तो टेम्परेचर भले कम रहता है लेकिन सनलाइट की बात हो रही है यहां पर, सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ता है। दूसरा ये रीजन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मिट्टी और आपका चट्टान यानी कि पत्थर कौन जल्दी गर्म होगा, चट्टानें जल्दी होती है, रेत वाला जो क्षेत्र जल्दी गर्म होता है और शीत मरुस्थल वाला रीजन है वो, भाई वहां पे तो वेजिटेशन ना के बराबर है और गर्मी में बर्फ रहेंगे लेकिन स्पेसिफिक जगहों पर, जैसे ठंड में पूरे एरिया में बर्फ मिलेगा आपको कंप्लीट 99.9% पूरा जगह खाली नहीं रहता, रोड ही पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। गर्मी के सीजन में ऐसा नहीं है, गर्मी के सीजन में कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ग्लेशियर्स में ही मिलेंगे, बाकी जगह आपको खाली चट्टान मिलेगा। तो भाई आप समझो जितना गर्मी इन लोग यहां पे मिट्टी में होता है या घास में, तो घास में तो और नहीं होती गर्मी, वेजिटेशन में तो हो गई नहीं, और वहां पर वो पूरा का एरिया कैसा है, पूरा चट्टान है, पूरा रेत है, तो इतना जहां पे गर्मी होता है ना लगभग वहां पे भी हो जाता है। हाँ 40 डिग्री नहीं जाता टेम्परेचर, 30-32 ऐसा समथिंग वहां पर चला जाता है, समझ आ रहा है। और ठंडी में कितना रहता है टेम्परेचर वहां का, एकदम माइनस में रहता है, -30, -12, -20 ऐसा रहता है। तो आप देखिए वेरिएशन देखिए, 40-50 डिग्री का सीधा सीधा क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। तो बताइए क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां की कैसी होगी, एडवर्स होंगी, थोड़ी सी विपरीत होंगी। और इसीलिए यहां पे जैसे ही आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो क्या बनने स्टार्ट होंगे, ये वेपर्स, यानी कि छोटे छोटे आपके वेपर्स के रूप में धीरे धीरे वहां से गैसेस ऊपर उठना शुरू होंगी। ऊपर उठना शुरू होती हैं तो भैया एक पॉइंट तक जाने के बाद ये क्या हो जाएंगी, कंडेंस होंगी, बादल बनाएंगी ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम स्वर्गलोक में निकल जाएगी या उसको पार कर लेगी पूरे 500-600 किलोमीटर, नहीं कर पाएंगी ना, वो ट्रोपोस्फेयर तक यानी कि क्षोभ मंडल की सीमा को पार नहीं कर पाएंगी। जैसे ही ऊपर जाएंगी तो धीरे 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 ठंडा होना शुरू होगा, मतलब वही जो आपने लिखा था क्लाउड का बनना, तो बादल बनने स्टार्ट होंगे। अब जब ये बादल बनेगा तो यहां पर भी कहीं पर भी नहीं बरसेंगे, इनके लिए चाहिए रहता है एक स्पेशल कंडीशन। तो आपने एक और डायग्राम बना रखा था जिसमें आपने देखा था कि ऊपर से जब कोई भी स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, ये 0 डिग्री था, अपन इसको बनाए थे ना, कहां गया ये रहा, ये देखिए इनकी आने की दिशा किधर है, भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब अगेन किसके प्रभाव में आ रही है ये, पछुआ, आपने पहला लाइन लिखा था ना कि पछुआ पवनों की क्या होती है, ये अधीन होती हैं, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, और इनका नेचर होता है कि वो हमेशा भूमध्य रेखा की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो सेम यहां पर भी आपने देखा कि ये जो लाइंस यहां से आप बना रहे थे, ये जब धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी तो उठने के बाद ये इस तरफ आने की क्या करती है, ये कोशिश करती है। इसके पीछे का एक और लॉजिक ये है कि ये क्षेत्र जो रहता है इनकी तुलना में कौन सा ज्यादा हॉटर है, गर्म कौन सा है, इंडिया या चाइना, इंडिया ज्यादा गर्म रहेगा ना, क्योंकि अपन गर्मी दिन की बात कर रहे हैं, अपन सेकंड वाला लिख रहे हैं, तो ये ज्यादा गर्म रहता है और ज्यादा गर्म है मतलब प्रेशर कैसे रहेगा यहां पर, लो प्रेशर, और खाली जगह होने के कारण इधर ही आने का क्या करता है, ये कोशिश करता है, ठीक है। चूंकि ऊपर उठ चुके हैं, आपको इनके लिए माउंटेन यहां पर उतने हाइटेड है नहीं, 2000-3000 मीटर तक बस मिलेगा, इसलिए ये कौन से दिशा से भारत में प्रवेश करती है, पूर्व दिशा से, और यही बनती है आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, और यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा क्या आते हैं, आपके साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। मतलब ये एक कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं है, ये एक कारण है, और भी अन्य आपको कारण मिलेंगे। तो अब जब जैसे ही साइक्लोन्स आएंगे तो अपने साथ क्या लेके आती है, ये साइक्लोन आ रहा है ना, साइक्लोन सीधा नहीं चलता, कैसे चलता है, शक्तिमान को देखे हो ना, शक्तिमान ऐसा गोल गोल, तो गोल 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 घूमते घूमते आता है, और अपने साथ क्या लेके आता है, वो मॉइस्चर, और मॉइस्चर है मतलब क्या करेगा फिर, वो बारिश। तो कहीं ना कहीं सिद्ध हुए कि नहीं हुए कि मानसून की उत्पत्ति के लिए सहायक हुए कि नहीं, तो वही क्वेश्चन आया था कि कैसे सहायक है, तो ऐसे सहायक है, लिखो इसको, लास्ट टाइम लिखा था कि तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, लिखना, इस प्रकार यह क्षेत्र कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, इन दिस वे
इट बिकम्स लो प्रेशर एरिया रीजन, कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है. इट बिकम्स लो प्रेशर एरिया रीजन, यह कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है. लिखेंगे और आगे चलकर यहां से उठने वाली गर्म पवने और आगे चलकर यहां से उठने वाली गर्म पवने जेट स्ट्रीम का रूप धारण करती हैं एंड हॉट स्ट्रीम्स या हॉट एयर्स फ्रॉम दिस रीजन, हॉट स्ट्रीम या हॉट एयर फ्रॉम दिस रीजन बिकम्स द जेट स्ट्रीम या ईस्टर्न जेट स्ट्रीम. यहां से उठने वाली गर्म पवने जेट स्ट्रीम का या जेट पवनों का रूप धारण करती हैं एंड हॉट स्ट्रीम फ्रॉम दिस रीजन बिकम्स जेट स्ट्रीम. आगे लाइन लिखेगा, इन पवनों के भारत में प्रवेश करने की दिशा, इन पवनों के भारत में प्रवेश करने की दिशा पूर्व से होती है. इन पवनों के भारत में प्रवेश करने की दिशा पूर्व से होती है. द डायरेक्शन ऑफ विंड, द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड एंटरिंग इन इंडिया इज ईस्ट. द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड एंटरिंग इन इंडिया इज ईस्ट. इसीलिए इन्हें पूर्वी जेट पवने कही जाती हैं. That's why they are called eastern jet streams. इसीलिए इन्हें पूर्वी जेट पवने कही जाती हैं. नीचे से लिखना, ये पवने बंगाल की खाड़ी में आने वाले, ये पवने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के लिए सहायक सिद्ध होती हैं. ये पवने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के लिए सहायक सिद्ध होती हैं. The streams are helpful for the cyclones emerge in the Bay of Bengal. ये पवने बंगाल की खाड़ी में आने वाली चक्रवातों के लिए सहायक सिद्ध होती हैं या helpful होती हैं. The streams are helpful for the cyclone emerge in Bay of Bengal. नीचे से लिखना, इस प्रकार इन्हें मानसून की उत्पत्ति में, इस प्रकार इन्हें मानसून की उत्पत्ति में सहायक माना जाता है. मानसून की उत्पत्ति में इन्हें सहायक माना जाता है. दे आर कंसिडर्ड हेल्पफुल फॉर द ओरिजिन ऑफ मानसून. एक और चीज इसमें समझिएगा, जब ये पवने ऊपर से आ गई आपकी, एंट्री कहां पर करी इन्होंने? बंगाल की खाड़ी वाले रीजन पे. ये पवने आ रही है ऊपर से. साउथ वेस्ट मानसून किधर चल रहा है आपका? ऐसा चल रहा है. और ये जो पवने रहती हैं ऊपर से जो आ रही होती है, क्या इनके पास मॉइस्चर रहता है? ऊपर वाले के पास नहीं रहेगा ना, कहां से लेके आएंगे? मॉइस्चर है ही नहीं उनके पास. ठीक है, वो केवल क्या है, ऐसी पवने हैं जो लाइक पहले गर्म हुई थी और थोड़ा सा हल्का सा इनके पास हो सकता है, तो हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहेगा कि वो बारिश कर पाएंगे. लेकिन नेचर कैसा रहता है, इनका नीचे आने के बाद फिर से ये गर्म होने लगती है. पहले ऊपर जाने के बाद ठंडा हो गई, नीचे आने में फिर क्या होंगी, ये गर्म होगी. जब ये इनके साथ टकराती है, इन पवनों के साथ, मतलब ये मानसूनी पवनों के साथ, ठीक है, तो मानसूनी पवनों के साथ टकराने के दौरान क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बलून है, हॉट एयर बलून है, ठीक. अब बलून में कुछ ज्यादा ही अगर आपने एयर को हॉट कर दिया तो क्या होगा, वो ब्रूम फटेगा, होगा ना. सेम इनके साथ होता है. मानसून जो है जहां पर बरसना चाहिए था वो तो बरस ही रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में आने के कारण यहां पर और अधिक क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है. तो इस क्षेत्र में होने वाले, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या इन रीजन में होने वाले बारिश के लिए भी कौन जिम्मेदार है, ये पूर्वी जेट पवने. ठीक है, चलिए. तो कल जब हम आएंगे तो ना मानसून की स्ट्रीम्स वगैरह देखेंगे, ब्रांचेस वगैरह देखेंगे और उसके क्या क्या प्रभाव है इंडियन सीजन, उसको हम लोग कवर करेंगे. ठीक है.